वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज जो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म शुरू करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के ऊपर जो है हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है और ये कैसे जो है वो काम करते हैं। ठीक है जनाब। मैं ऑडिबल एवरीवन? यस सर। ओके, सो रेस्पिरेशन के ऊपर बात करें तो रेस्पिरेशन से पहले सवाल आता है कि आखिर में ग्लाइकोलिसिस पड़ने से पहले ही रेस्पिरेशन होता क्या और इसकी जरूरत क्या है। तो फटाफट उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि बाकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन ही ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। एज यू नो दैट कि सेल डिमांड्स एनर्जी, सेल को जो है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और बिना एनर्जी के जो है वो सेल कैसे सर्वाइव करेगा। सेल के मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए, सेल की चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। सो फॉर दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो आप कह सकते हैं स्टेप चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दो फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, एक आप रिडक्शन शो करते हैं और दूसरा जो है वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो दो फिनोमिना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब है कोई कंपाउंड या तो रिड्यूसिंग हो सकता है या ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है। सवाल आता है कि किसी कंपाउंड का रिडक्शन तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा तो उस रिड्यूस हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन तब होगा जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है किसी कंपाउंड से तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, और कोई कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है तो उस कंपाउंड का रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि एक ही कंपाउंड दोनों, एक ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोडक्ट जो है दोनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम NAD+ की बात करें तो अभी NAD+ को कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है। अभी ये जो फॉर्म है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अभी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जब इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा NAD का तो ये बन जाता है NADH2, और ये फॉर्म हो जाता है रिड्यूस NADH, नॉट NADH2, वो FAD में होता है। तो ये आपका हो जाएगा NADH, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म। तो अब रिड्यूस्ड फॉर्म को देखें तो रिड्यूस्ड फॉर्म तब बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ रहा है। किस फॉर्म के साथ? ऑक्सीडाइज्ड। जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म NAD+ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा तो वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म बना लेगा, और यही है आपका रिडक्शन। और अगर रिड्यूस्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिलीज कर दे। व्हेन द रिड्यूस्ड फॉर्म रिलीज द इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो आपको कुछ ऐसा केस बन जाएगा, राइट? अब सवाल ये आता है कि इन दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज किया जाएगा, ये रिडक्शन का प्रोसेस मैं शो कर रहा था। अब यहीं पे मैं शो करूं कि कोई भी मेटाबॉलिज्म, अब कोई भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, अब इस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कोई भी रिड्यूस्ड जो है कंपोनेंट जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए इलेक्ट्रॉन को देके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन ही जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किया जाता है टू कह सकते हैं डिपेसिएट्स द एनर्जी, टू रिलीज द एनर्जी। तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो है बेसिक तौर पे ऑक्सीडेशन होना बहुत जरूरी है, और ऑक्सीडेशन खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है, और इसी ऑक्सीडेशन को ही आप मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत भी कंसिडर करते हैं, तो ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में आता है। याद रखिए रिस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होता है, एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, और यूनिवर्सल इन लाइफ है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और साथ में यूनिवर्सल इन लाइफ मतलब हर जगह होता है। तो दिस इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एज वेल एज यूनिवर्सल इन द लाइफ। ये बेसिक जो है डिमांड की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी में जिस कह सकते हैं मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, या जिस बायोकेमिकल पाथवे को यूज किया जाता है हमारी सेल्स में, हमारे बॉडी में, उसी बायोकेमिकल पाथवे को हम रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं। तो जब मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं,
और एक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन को आप कंसिडर करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कभी भी ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन हो तो हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिडर करते हैं, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन का यूज हो। एंड इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन, एज द नेम सजेस्ट ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, तो हम इसको बोलेंगे कि ऐसा रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, या आप इसको फर्मेंटेशन भी बोलते। तो अगर कोई रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है तो वी कैन से दैट एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो हम उसको मेंशन करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और या फर्मेंटेशन भी उसी का जो है एक दूसरा नाम। तो रेस्पिरेशन कैन बी ऑक्सीजन डिपेंडेंट या रेस्पिरेशन कैन बी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर है? ठीक है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हो रही है, कुछ ज्यादा है नहीं रेस्पिरेशन में। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सवाल आता है कि क्या रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही होंगे या और कोई भी हो सकते हैं? तो जवाब है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो। कार्ब्स के साथ साथ फैट्स, प्रोटीन्स और एसिड्स, ये भी जो है वो सब्सट्रेट की तरह काम कर सकते हैं। यानी जो अपनी एसिड्स को बेसिक तौर पे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है, तो न्यूक्लिक एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स है, फैट्स है, ये सभी जो है वो बेसिक तौर पे यूज किए जा सकते हैं। किसके लिए? सबस्ट्रेट के तौर पे। और जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को आप मेंशन करते हैं वो सभी के सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उनका ऑक्सीडेशन शो किया जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का आप ऑक्सीडेशन जो है वो मेंशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब उन सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ऑक्सीडेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो या तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो। जब किसी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पूरी एनर्जी जो है वहां पे रिलीज होती है, फुल एनर्जी जो है वो आपको रिलीज होगा। एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, या इसको दूसरे शब्दों में आप पार्शियल ऑक्सीडेशन भी मेंशन करते हैं, यानी ऐसे कंडीशंस में इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन में जो है पार्शियल एनर्जी का रिलीज आप देखते हैं। अगर आप कंडीशन शो करें तो ये दो डायग्राम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन द केस ऑफ फर्स्ट केस अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज को मैंने शो किया, और ग्लूकोज के जितने कार्बन हैं सारे के सारे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को आप सिंपल शब्दों में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कार्बन जितने कार्बन है अगर सभी के सभी कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए तो ऐसा केस कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी ऑल कार्बन जो है बाइंड्स विथ ऑक्सीडेशन, या ऑल कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो अगर सारे के सारे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाए तो हम इसको बोलेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, और अगर सारे के सारे कार्बन ऑक्सीडाइज ना हो तो ऐसे केसेस को आप मेंशन करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, जैसे आप ग्लूकोज के इस केस को देखिए, यहाँ पे आप 6 कार्बन शो कर रहे हैं लेकिन सारा का सारा CO2 नहीं निकल रहा। अब इसमें कुछ ही CO2 का फॉर्म निकल रहा है, और उसके बाद कुछ जो है वो एसिटाइल को बना रहे हैं, उसमें कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सारा का सारा कार्बन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा, तो इसीलिए ऐसे ऑक्सीडेशन को आप मेंशन करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब कमाल की बात यह है कि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनते हैं उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन बोल रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन, अक्सर एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, पूरे के पूरे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा ना हो, जब ऑक्सीजन जो है एब्सेंट हो, या ऐसे कंडीशन में एनएरोबिक कंडीशन जब फुलफिल हो, तो उस केसेस में आपको जनरली जो केस देखने को मिलता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल जो है डाइजेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो ये एरोबिक और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का जो है लिंकेज आप शो कर सकते हैं, कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन शो करते हैं, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उन केसेस में आप किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। वैसे तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई भी हो सकते हैं, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनका जो यूटिलाइजेशन है वो हो सकता है, और इनका जो ऑर्डर है वो उसी ऑर्डर में दिया गया जिस ऑर्डर में ये यूटिलाइज हो सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो है वो कार्ब्स का यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद फैट्स का होता है, एंड उसके बाद जो है प्रोटीन्स का होता है, एंड देन न्यूक्लिक एसिड सबसे लास्ट में आता है।
जब भी आपके बॉडी को जरूरत होगी तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी में एनर्जी के तौर पे कार्ब्स को यूज करेगा सोर्स के तौर। फिर अगर ये कार्ब्स नहीं मिलेगा तो फैट, और फैट नहीं मिलेगा तब प्रोटीन, और नहीं सब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर डीएनए न्यूक्लिक एसिड से वो एनर्जी जनरेट करेगा। इसीलिए मैं जो है कार्ब्स को एज अ मेजर प्राइमरी सोर्स के तौर पे शो करके यहाँ पे आगे बढ़ूँ। तो रेस्पिरेशन कैन बी द कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट में एरोबिक और एनएरोबिक हो सकते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जैसा कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन में शो कर रहे थे कि देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आपको जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन के तौर पे आप मेंशन करें तो देखिए ये है ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। एंड अगर आपने 6 कार्बन ग्लूकोज में शो किए या 6 कार्बन होते, इसको अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइज करना है तो आपको 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी, बिकॉज 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द कार्बन। तो इसीलिए 6 कार्बन 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ के 6 मोल ऑफ CO2 बना रहा है, एंड साथ ही में रिलीज होता है 6 मोल ऑफ वाटर, एंड जो एनर्जी जनरेट होती है वो होती है 686 किलो कैलोरी। ये याद रहे कि किलो कैलोरी में इतनी एनर्जी जो है जनरेट हो रही है। एंड ऑल द एनर्जी इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द एटीपी, क्योंकि अगर शब्दों की बात करें तो ये आपके पास जो 686 किलो कैलोरी है, ये सारा का सारा एनर्जी या सारी की सारी एनर्जी एटीपी में नहीं यूज होती, एटीपी प्रोडक्शन में नहीं यूज होता। कुछ एनर्जी जो है इसका यूज हो जाता है हीट के लिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब हम देखें तो ये कंडीशन आपके साथ डेवलप होगा, एंड इन दिस कंडीशन 686 कैलोरी जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी बनाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो हीट में वेस्ट हो जाएगा, कुट अमाउंट ऑफ नॉट एटीपी कैलोरी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस एटीपी की बात की जाए तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इनका जो है प्रोडक्शन अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट में जो देखा गया है वो लगभग 32 एटीपी बनता है, अगर एरोबिक रिस्पिरेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तब, जिसमें आप पीसीए साइकिल को शो करते हैं साइटोसोल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शो करते हैं आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और इनकी मदद से जो है 32 एटीपी बनता है। लेकिन यूकैरियोट में जो है दो पॉसिबल कंडीशन डेवलप होते हैं। एक पॉसिबल कंडीशन है कि उसमें 30 एटीपी भी बन सकता है, और एक है कि उसमें 32 भी बन सकते हैं। 30 एटीपी तब बनेगा जब यूकैरियोटिक सिस्टम में 30 एटीपी तब बनता है जब ग्लिसरोफॉस्फेट शटल का यूज होता है, और 32 एटीपी तब बनेगा जब मैलेट स्पार्टेट का शटल का यूज होता है। अब ये शटल क्या है? रीजन बी दैट क्योंकि जो प्रोकैरियोट है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जो है आपका एटीसी है और साइटोसोल में ही टीसीए है, यानी जो एनएडीएच और एफएडीएच2 बनते हैं प्रोकैरियोटिक एरोबिक रिस्पिरेशन में, उनको कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ड्यू टू द नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कोई एटीपी का लॉस नहीं होता। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट, क्योंकि मैट्रिक्स में जो है आपको टीसीए परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, लेकिन इसके साथ जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे परफॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इवन कुछ जो है एनएडीएच और एफएडीएच2 साइटोसोल में जो है वो बनते हैं, खासकर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। अब जो साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एनएडीएच और एफएडीएच2 बनते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड जब माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करते हैं तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 एटीपी का लॉस हो जाता है एक शटल पाथवे, यानी जिस पाथवे से वो जा रहा है, और वो पाथवे होता है ग्लिसरे फॉस्फेट शटल। तो इसकी वजह से 2 एटीपी का लॉस होता है, तो नेट एटीपी जो है वो आपके 30 हो सकते हैं, नहीं तो कभी कभी एक पाथवे ऐसा है जिसमें कोई लॉस नहीं होता, तो उसमें जो है 32 ही बने रहते। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अगर देखा जाए तो ये एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड एल्डोज और ग्लूकोज के तौर पे हम इसे शो कर, जिसको 6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो है वो आपका बेसिक तौर पे बन जाता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथ में 6 CO2 का 6H2O का रिलीज होगा, और 686 किलो कैलोरी भी रिलीज होगी। इस किलो कैलोरी एनर्जी का जो है यूज एटीपी और हीट के प्रोडक्शन दोनों के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द एटीपी प्रोडक्शन प्रोकैरियोट में आप एरोबिक रिस्पिरेशन में 32 एटीपी के प्रोडक्शन को शो करते हैं, लेकिन यूकैरियोट के केस में 30 या 32 दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा शटल जो है वहां पे यूज हो रहा है। तो ये है एरोबिक रिस्पिरेशन का ओवरव्यू कि किस तरीके से चीजें काम कर रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू, ग्लूकोज इज वन ऑफ द मेजर प्रिकर्सर फॉर वेरियस सिंथेसिस, लाइक यू नो दैट ग्लूकोज का जो आप
शो करते हैं। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडेशन हो सकता है बाय द ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन आप ग्लाइकोलिसिस के थ्रू भी शो कर सकते। साथ में ग्लूकोज का जो है अगर ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होगा तो पायरुवेट बनाएगा जो हम अभी पढ़ने वाले। ग्लूकोज का अगर स्टोरेज करना है तो ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा। और अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस पॉलीमर्स करेगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बना सकता है। साथ में ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू भी हो सकता है एंड वो बनाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट। सो ग्लूकोज इज दैट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट और दैट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड दैट कैन बी इन्वॉल्व इन द मल्टीपल पाथवेज। लाइक ये ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये जो है वो राइबोज 5 फॉस्फेट यानी ट्रिपल फॉस्फेट पाथवे में भी इन्वॉल्व हो सकता है एंड ये ग्लाइकोलिसिस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑल पॉसिबल फेट ऑफ द ग्लूकोज आइदर इन ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म आइदर इन द राइबोज 5 फॉस्फेट मेटाबोलिज्म और इन द ग्लाइकोलिसिस वन बाई वन। तो ये है एक ओवरव्यू ऑफ द ग्लूकोज मेटाबोलिज्म। और यहां तक समझ में आया तो कंफर्म करिए और नहीं आया तो भी कंफर्म करिए। यस सर, यस ओके। तो हम एरोबिक रिस्पिरेशन को अगर कंसीडर करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन में जो है कुछ की पॉइंट्स या कुछ की प्रोसेसेस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक पहला जो है स्टेप होता है उसमें, और सिट्रिक एसिड साइकिल दूसरा स्टेप होता है एंड देन थर्ड स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये तीन स्टेप्स होते हैं बेसिक जो है रिस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दो शब्दों या दो मैकेनिज्म से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन एंड द फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ऑक्सीडेशन जो फिनोमेना होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, और कैसे होगा ये धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा इसी में होता है फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन की मदद से होती है एटीपी की सिंथेसिस। तो दिस इज द ओवरऑल फ्लो ऑफ द रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि सब डिवाइडेड होता है दो स्टेप्स में, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। When you see in the prokaryotes, the site of glycolysis is the cytosol. मतलब glycolysis जो perform होता है वो cytosol में ही perform होता है। When you see in the case of citric acid cycle, glycolysis के बाद citric acid cycle भी cytosol में ही perform होता है। Reason being that there is a no mitochondria. In the case of prokaryote, कोई mitochondria आप show ही नहीं करते। जब mitochondria है ही नहीं, तो citric acid cycle का मजबूरन जो perform होता है वो आपके साइटोसोल में। इसके बाद आता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ परफॉर्म होगा, तो वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन जो होते हैं उसी को बोला जाता है मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स आर बेसिकली इनवेजिनेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी सिंथेसिस परफॉर्म होती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट व्हेन यू सी दैट ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसोल में ही होता है, लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल जो है अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आप जो शो करते हैं वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो ये जो लोकेशन या साइट का डिफरेंसेस है इसको ध्यान रखे रहिएगा। कई बार पूछा जाता है कि आखिर ग्लाइकोलिसिस का जो साइट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों सेम होता है, जबकि सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोकैरियोट में साइटोसोल में और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोकैरियोट में मीजोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा एंड इन यूकैरियोट्स इट इज इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगा। ठीक है, तो ये केस आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। सो ये आप उस फ्लो को भी देख सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से फिर आपका एसिटाइल को ए लिंक रिएक्शन, तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, टीसीए साइकिल एंड द क्रेब साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब एक बीच में लिंक रिएक्शन है, वो जनरली लिटरेचर में मेंशन नहीं होता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी करूँ लिंक रिएक्शन कहाँ होगा, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद देयर इज अ वन फिनोमेना व्हिच इज नोन एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का मतलब होता है एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन, विल डिस्कस। तो लिंक रिएक्शन जो है प्रोकैरियोट में कहाँ परफॉर्म होगा, साइटोसोल, क्योंकि अगर ग्लाइकोलिसिस भी साइटोसोल में हो रहा है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी साइटोसोल में, तो लिंक रिएक्शन इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट प्रोसेस है तो साइटोसोल में होगा। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट लिंक रिएक्शन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी ये भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। तो विल डिस्कस कि कैसे जो है ये प्रोसेस होगा। तो होपफुली द साइट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस क्लियर होगा कि कहाँ पे हो रहा है।
यस और नो? यस सर, यस सर। अगर मैं बात करूं कि यूकैरियोटिक सिस्टम में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो उसका साइट कहाँ पे है, तो कैन यू टेल मी कि कहाँ पे जो है सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म होता है यूकैरियोटिक सिस्टम में? ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, टीसीए साइकिल होगा आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगा। तो अब इस पूरे रिस्पिरेशन का सबसे पहला जो स्टेप था वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन हो या ना हो दोनों में ही कॉमन है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि इसमें तीन साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं, एक है एमडेन, एक है मेयरहॉफ एंड एक है पारनास। तो एमडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास पाथवे जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। एमडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास ये तीन साइंटिस्ट है, इसीलिए इन्हीं के नाम पे जो है इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ईएमपी पाथवे। ये एक फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे है, मतलब जो एनर्जी जनरेट करेगा उसका एक फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आइदर इट इज इन द प्रोकैरियोट्स और द यूकैरियोट्स, कोई भी प्रोकैरियोट हो कोई भी यूकैरियोट हो, आइदर इन द एरोबिक कंडीशन, इन द एनारोबिक कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्योंकि इसके बिना कोई सेल सर्वाइव कर ही नहीं सकता। टीसीए साइकिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कंडीशनल बेस्ड है, लेकिन ये होना ही होना तय है। ठीक, इट इज यूनिवर्सल पाथवे। यूनिवर्सल पाथवे का मतलब इट अकर्स एवरीवेयर, एवरी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आई रिपीट एवरी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने सेल बायोलॉजी की क्लास ली थी अभी, हुई थी आई थिंक 3 PM पे, उसमें सेलुलर जो है वायरस और सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पढ़ लिए होंगे आपने, तो उसमें वायरस सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ए सेलुलर होता है, यस और नो? ठीक है, सर। तो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। अच्छा, सेल बायोलॉजी समझ में आ रही है? और बाकी जो यूनिट चल रहे हैं वो भी समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? खुश हो या दुखी हो कोर्स लेके? सर बहुत खुश। सर अच्छा, दिल से सच बोल रहे हो कि ऐसे ही बस एक्टिंग कर रहे हो? नहीं सर, सच सर बोल रहे हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर टीचर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सभी। चलो सर। आप ठीक है, आपको और और मेरा ज्योति तो मैम कोई को जवाब छोड़ ही के नहीं है ना, बाकी सभी मैं तो अच्छे वैसे भी एक पढ़ाते सुपर हैं। टैलेंटेड हूँ, यू नो दैट, है ना? मुझे अपनी तारीफ करने रवीना में कोई मैम अच्छा दिक्कत पढ़ाती हैं, नहीं ज्योति होती। मैम अच्छा पढ़ाती हो, आप अच्छे पढ़ाते हो। सभी माइक्रो अच्छा के लेक्चर पढ़ाते थोड़े बोरिंग। सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बस प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ओके अगर हम सर। अपने माइंड में ये एक होता है ना स्टबर्न टाइप का चीज ना बने, मतलब कुछ ऐसे लर्नर्स की प्रोबेबिलिटी या उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली थोड़ी सी भक्ति वाली हो जाती है। देखो, अगर आप भगवान में मानते हो तो एकदम लीन मत हो, आप हर एक यूनिवर्सल अगर रहोगे ना तो आपको कृष्ण भी अच्छे लगेंगे, आपको जो है राम भी अच्छे लगेंगे, आपको महादेव भी अच्छे लगेंगे, एक भक्ति ऐसी होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम लीन होते हैं, या तो कृष्ण के दीवाने हैं, या तो राम के दीवाने हैं, या तो महादेव के दीवाने हैं। तो दीवानों वाली कैटेगरी में कुछ लर्नर्स आते हैं जो जिनको वही चाहिए जो उन्हें चाहिए, कि नहीं मैं मुझे जो है अगर ज्योति मैम से पढ़ना या वीरेन सिंह से पढ़ना तो मुझे बस यही चाहिए, इनके इर्द गिर्द मुझे कोई नहीं चाहिए। तो आप उस चक्कर में कई ऐसे जो चीजें वो मिस कर जाते हैं, या कुछ अच्छे टीचर से पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन सभी टीचर अपने अपना बेस्ट देता है किसी भी कंडीशन में। और आप अगर अपने आप को ओपन रखेंगे कि नहीं ठीक है सीखते तो हैं, पहले एक बार कोशिश करते हैं वाइब्स मैच करने की, फ्रिक्वेंसी मैच करने की, तो आपको खुद धीरे धीरे किसी भी टीचर के साथ 2 से 3 दिन अगर सही से समझने के, और इस अनबायस माइंड से उसकी क्लास सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सही चल रहा है, समझ में आ रहा है। और आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो है इसी से जो है, सीधी सी बात है कि आप रोज जो है एप्पल का आईफोन चलाए जरूरी नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव है फोन पे बात करना तो आप किसी भी फोन से कर सकते हैं। योर ऑब्जेक्टिव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, और वो आपको कराया जाता है कंबाइंडली, तो आप वो ऑब्जेक्टिव लेके चलिएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी आपकी पर्सनल च्वाइसेस है कि आप क्या करते हो, और मैं तो, मेरा कोई तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं, मेरी मम्मी तारीफ कर देती बहुत ज्यादा। ठीक है, राजा बेटा है तू, और मैं सच में राजा हो जाता हूँ।
अब सवाल आता है कि मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करता हूं, तो ग्लाइकोलिसिस जो है एमडेन मेयर ऑफ बार्नास ये तीन साइंटिस्ट की वजह से एएमपी पाथवे कहा जाता है। इट इज अ फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे बिकॉज ये फंडामेंटल एनर्जी के लिए, फंडामेंटल का मतलब हर जगह आपको देखने को मिलता है और यूनिवर्सल है, हर सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इट इज ऑक्सीडेटिव पाथवे, ये एक ऑक्सीडेटिव पाथवे के तौर पर आप इसे शो करते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होता है एंड ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट शो किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस प्रोसेस इज एक्चुअली ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, मतलब ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट जो है शो किया। अभी जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे आप मेंशन कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे जो है इसका मतलब कि ऑक्सीजन है या नहीं है तब भी चलेगा। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है तो आप इस प्रोसेस को आप एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कह सकते हैं कि एरोबिक कंडीशन में भी होगा एनएरोबिक में भी होगा। अब ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन पे निर्भर नहीं है तो यहाँ पे किसी भी सब्सट्रेट या जो आप ग्लूकोज यूज कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा, तो आप पार्शियल शो करेंगे क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता, तो यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। जहां पे ये परफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल, और साइटोसोल की इस स्ट्रक्चर या कह सकते हैं उस साइट ऑफ साइटोसोल को आप बोलते हैं ग्लाइकोसोल, जहां पे ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होता है इन द केस ऑफ साइटोसोल द साइट इज नोन एज ग्लाइकोसोल। तो ये जो है कुछ ग्लाइकोलिसिस की बेसिक इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है जो मैंने बताया कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यू विल गेट दैट ईएमपी पाथवे, फंडामेंटल पाथवे, यूनिवर्सल ऑक्सीडेटिव पाथवे, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, पार्शियल ऑक्सीडेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पाथवे जो ध्यान रहे, जैसे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, ऑक्सीडेटिव है, यहाँ पे सबस्ट्रेट का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को माइंड में रखे रहिएगा क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। मूविंग अहेड जब हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो ग्लूकोज अगर यहाँ पे यूज होता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक ग्लूकोज कन्वर्ट होता है दो पाइरूवेट में, और क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन का जो है कार्बोहाइड्रेट है और पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो बिकॉज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट के 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो एंड ये एक 10 स्टेप का पाथवे शो किया जाता है। इस 10 स्टेप के पाथवे में आप मेंशन करते हैं कि ये जो है 5 प्रेपरेटरी होते हैं और 5 पे ऑफ, मतलब 5 स्टेप्स जो होते हैं वो तैयार करने में लगते हैं और 5 उसी का रिवॉर्ड लेने में लगते हैं। तो एक है जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न की बात होती है, तो प्रेपरेटरी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज जहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, और पे ऑफ को आप बोलते हैं रिटर्न फेज जहां पे रिटर्न किया जाता है। ये जो 10 स्टेप्स पाथवे उसमें से कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, और उन इरिवर्सिबल स्टेप्स के तौर पे 1, 3 एज वेल एज 10th, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसको आप इरिवर्सिबल स्टेप्स कहते हैं, इसीलिए पूरा पाथवे इरिवर्सिबल पाथवे के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इस पूरे पाथवे में जो है ऑक्सीडेशन जो है वो एक स्टेप होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कैरियर यहाँ पे चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसी इलेक्ट्रॉन को दे के एटीपी बना सके। तो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, और कैरियर के तौर पे यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है NAD+, यही एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन द ग्लाइकोलिसिस। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो दो स्टेप्स में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब जब कोई स्टेप एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है डायरेक्ट वहां से एटीपी बन रहा हो, एटीपी की सिंथेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नहीं हो रही है, ये ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट वहीं पे हो जा रहा है, डायरेक्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट इज SLP, तो उसको आप SLP के तौर पे जो है कंसीडर करते हैं। नाउ अगर फ्रक्टोज सबस्ट्रेट होगा तो यहाँ पे हाउ मेनी स्टेप्स, कितने स्टेप्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है, अगर ग्लूकोज यूज हो रहा है तो लगभग आपको रिक्वायरमेंट हो रही है 10 स्टेप्स की, लेकिन अगर फ्रक्टोज होगा तो कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, है जी ये जरा ढूंढ के लाना होमवर्क के तौर पे। आपको होमवर्क दिया था क्या मैंने पिछली क्लास में? जी सर दिए थे। क्या था आंसर उस वक्त? सर खोजे लेकिन मिला नहीं, और सर मुझे केवल मिला कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जितना एनर्जी लगेगा उसका ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा होता है अनसैचुरेटेड का,
सर मिला नहीं सर, आप ही बता दीजिए। चलो बता देंगे हम। फिलहाल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने यही पढ़ा कि एक ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दो पायरुवेट में। ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप का पाथवे, 10 स्टेप का, जिसमें पांच कैसे है प्रेपरेटरी, पांच कैसे है पे ऑफ, कैसा है इरिवर्सिबल नेचर का। क्यों? क्योंकि उसमें तीन स्टेप इरिवर्सिबल, कौन कौन से, 1, 3 और 10th। इसमें जो है ऑक्सीडेशन एक स्टेप पे, कैरियर के तौर पे एनएडी प्लस, सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन दो स्टेप पे, डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। एंड देन अगर मैं बात करूं तो ये सब चीजें मैं बताया था, ईएमपी पाथवे होता है, फंडामेंटल है, यूनिवर्सल है, ऑक्सीडेटिव है, और जहां पे परफॉर्म होता है आप उसको बोलते हैं दैट इज द साइटोसोल। तो प्रेपरेटिव फेजेस में पांच स्टेप शो करते हैं। इन पांच स्टेप्स प्रेपरेटिव फेज में आप ये मेंशन करते हैं कि ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरेडियाइड 3-फॉस्फेट। तो ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड, एक मोल ऑफ द ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो जाता है टू मोल ऑफ द ग्लिसरेडियाइड 3-फॉस्फेट। अगर आपको याद आ रहा हो मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो ग्लिसरेडियाइड का स्ट्रक्चर बताया था, ग्लिसरॉल में तीनों OH होते हैं, लेकिन अगर एक OH की जगह एल्डिहाइड आ जाए तो वही क्या हो जाता है ग्लिसरेडियाइड, उसके तीसरे पोजीशन पे अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो वही ग्लिसरेडियाइड 3-फॉस्फेट हो जाए। एंड द पे ऑफ फेज की जब बात करते हैं तो पे ऑफ फेज भी पांच स्टेप में है, रिटर्न फेज है। इसमें जो दो मोल ऑफ ग्लिसरेडियाइड 3-फॉस्फेट बने हैं यही जो है दो मोल ऑफ पाइरुवेट बनाते हैं, और ये दो मोल ऑफ पाइरुवेट जब बनाते हैं तो इसी में जो है कई चीजों का प्रोडक्शन होता है। तो ये पे ऑफ और प्रेपरेटरी फेज की जो है कहानी बनती है। तो ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी फेज यहाँ पे दो एटीपी का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं, दो अलग अलग स्टेप्स में होता है लेकिन यहाँ पे दो एटीपी का जो है इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं। एंड ड्यूरिंग द पे ऑफ फेज यहाँ पे 4 ATP का जो है वो आप प्रोडक्शन शो करते हैं, और साथ में 2 NADH का जो है वो प्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर नेट एटीपी की बात करें तो 2 ATP का यूटिलाइजेशन है और 4 ATP का जो है वो प्रोडक्शन है, तो नेट एटीपी 4-2 आप 2 ATP शो करते हैं। लेकिन एनरोबिक रिस्पिरेशन में जब एरोबिक होगा तो NADH भी ATP बनाएगा, इसका मतलब है उसके ATP भी काउंट होंगे तो टोटल 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई बार आता कि अगर एरोबिक कंडीशन हो, ठीक है, तो अगर जो है एरोबिक कंडीशन एंड इन द एरोबिक कंडीशन अगर ग्लाइकोलिसिस में बात की जाए तो नेट ATP कितना बनेगा। देखो 2 NADH है, 1 NADH से 2.5 ATP बनता है, तो 2 NADH से 2 × 2.5 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 ATP, ठीक। एंड दो नेट ATP आपको जो डायरेक्ट बन रहा था SLP से, इससे जो ATP 5 बन रहे हैं ये बनेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, और बाकी के जो है 2 ATP 4-2 आप शो करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 2 ATP। ये 2 ATP जो बनते हैं वो SLP सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, और जिसकी वजह से आप 5+2 करेंगे तो नेट ATP होता है 7 ATP। अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो उस केस में ग्लाइकोलिसिस 7 ATP कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर यहीं पे ग्लाइकोलिसिस किस कंडीशन में परफॉर्म हो रहा है, एनएरोबिक कंडीशंस में। और जब आप एनएरोबिक कंडीशंस की बात करते हैं तो उस केसेस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो 5 ATP बनेगा नहीं, यानी NADH वेस्ट जैसा कंडीशन होगा, या आप बोलते हैं उसका रीयूटिलाइजेशन किया जाएगा, और जो सिर्फ बनेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा SLP होगा, और SLP से कितने ATP नेट बन रहे थे, 2 ATP। तो इसीलिए एनएरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP बनता है और एरोबिक कंडीशन में 7 ATP बनता है, और बाकी अगर एनएरोबिक कंडीशन में ये 2 NADH बना फिर अगर वो ATP नहीं बना पाएगा तो ये क्या करेगा, फिर इसका रीयूटिलाइजेशन किया जाता है, और इसका यूटिलाइजेशन करके कैसे जो है प्रोडक्शन बनेगा उसके ऊपर बात करेंगे, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। तो 2 NADH का यूटिलाइजेशन होगा एथेनॉल के फॉर्मेशन में या तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में। समझ में आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, प्रेपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। प्रेपरेटरी फेज में 5 स्टेप, ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ ग्लिसरेडियाइड 3-फॉस्फेट, पे ऑफ फेज में 2 मोल ऑफ द ग्लिसरेडियाइड कन्वर्ट हुए 2 मोल ऑफ पाइरुवेट में, नेट ATP अगर एरोबिक होगा तो 7, एनएरोबिक होगा तो 2, ठीक है। अब इसी को जो है लेके चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ग्लाइकोलिसिस और किस वे में जो है वो चल रहा है। तो व्हेनेवर यू सी द प्रेपरेटरी फेज, यहाँ पे ये जो है प्रेपरेटरी फेज को शो किया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ है नहीं। Whenever you see यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्फिग्रेशन डी कॉन्फिग्रेशन है, जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है, क्योंकि OH का पोजिशन आप देखिए नीचे की तरफ आप शो कर रहे हैं, ठीक।
एंड ग्लाइकोजन एनिमल्स स्टार्च में स्टोरेज के तौर पे काम करता है। अब इस अल्फा जो पोजीशन नीचे आप शो करें, ये डी ग्लूकोज, अब इसी डी ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है। इस पे ये पांच स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमिंग का। प्राइमिंग का मतलब फॉस्फेट को जोड़ना है, ठीक है। तो ग्लूकोज में इन द केस ऑफ हियर आप ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पे फॉस्फेट ऐड करते हैं किस पोजीशन पे, छठवें पोजीशन पे, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोला जाता है। एंड जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फॉस्फेट को ऐड किया जा रहा है, तो जो एंजाइम यूज होगा वो होगा काइनेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम आप मेंशन करते हैं वो है काइनेज। अब फॉस्फेट को ऐड करने के लिए फॉस्फेट का डोनर चाहिए, इसलिए एक एटीपी यहाँ पे डोनर की तरह काम करता है। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर, पहला कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ढंग से, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अगर आप देखें तो ये 6 कार्बन का पूरा जो है पायरोन स्ट्रक्चर बना। इसी छठवें कार्बन के पास ये जो OH होता है, इसी से जुड़ता है पहला फॉस्फेट, लाइक दिस वन। तो जैसे ये जुड़ गया, ये हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जुड़ गया, तो ये हो गया पहला स्टेप फर्स्ट प्राइमिंग, ATP का इन्वॉल्वमेंट आप शो कर। अब यहां पे जो है कहा जाता है कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज दोनों हो सकते। एक हेक्सोकाइनेज के ही कई सारे वेरिएंट्स होते। अब हेक्सोकाइनेज के हेक्सोकाइनेज 4 या हेक्सोकाइनेज डी बोला जाता है, जिसको कि दूसरे शब्दों में बोला जाता है ग्लूकोकाइनेज। और ये मैं ग्लूको और हेक्सो का एक एग्जांपल दिया था आपको रेगुलेटरी एंजाइम में, कि ग्लूकोकाइनेज जो होते हैं वो नॉन रेगुलेटरी होते हैं, क्योंकि नॉन एलोस्टेरिक है, ये इंड्यूसिबल है, और कह सकते हैं कि हेपेटिक सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज यानी लिवर वगैरह में पाए जाते हैं। इनका KM ज्यादा है, अगर KM ज्यादा होगा तो आप मुझे बताइए अफिनिटी क्या शो करेंगे, ज्यादा या कम? कम शो करेंगे, तो वी कैन शो द अफिनिटी इज दिस। यहाँ पे ये प्रोसेस हेक्सोकाइनेज भी ऑपरेट करता है और साथ में ग्लूकोकाइनेज भी करता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हेक्सोकाइनेज का एक्सप्रेशन जो है वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब हमेशा बनता रहेगा। ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है, ये एक एलोस्ट्रिक एंजाइम है, इसलिए हेक्सोकाइनेज यहाँ पे यूज होगा। और साथ में हेक्सोकाइनेज जो होता है उसका सबस्ट्रेट आपको बेसिक तौर पे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हेक्सो का मतलब कोई भी हेक्सोज हो सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ ग्लूकोकाइनेज ये जनरली सिर्फ हेक्सो ग्लूकोज से बाइंड करता है, वो भी डी ग्लूकोज से। अब ग्लूकोकाइनेज को अगर मुझे रेगुलेट करना हो तो मैं कैसे रेगुलेट कर सकता हूं, पॉसिबल है ग्लूकोकाइनेज को रेगुलेट करना? सर नहीं, ग्लूकोकाइनेज को रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हेक्सोकाइनेज को रेगुलेट किया जा सकता है, इसीलिए रेगुलेटरी एंजाइम है। तो अब रेगुलेटरी एंजाइम में इसके ऊपर पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों हो सकते हैं। अब पूरे एंजाइम के जो रेगुलेशंस है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा एक साथ, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फ्लो कैसे चल रहा है। तो पहला जो मैंने फ्लो बताया कि ग्लूकोज से एक फॉस्फेट जुड़ता है छठवें पोजिशन पे, जिसकी वजह से ये हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड यू कैन सी द 6th नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बी फॉस्फोराइलेटेड। आफ्टर दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों आइसोमर है। तो यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वो है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करने के लिए आपको एक आइसोमर चाहिए और उसने बना। अगर आप इससे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो जो पहला स्टेप था वो एक यूनिडायरेक्शनल स्टेप था, एक इरिवर्सिबल स्टेप था। और मैंने कहीं पे आपको ये बताया कि इरिवर्सिबल स्टेप्स रेट लिमिटिंग होते हैं या रेगुलेटरी होते हैं, यस और नो? तो यस, याद होगा मैंने ये चीज मेंशन करी थी इन द केस ऑफ एंजाइम की ज्यादातर यूनिवर्सल या जो कंडीशंस होते हैं ये आपको यहाँ पे आएंगे। अब ये हेक्सोकाइनेज है जिसने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया, तो आप एंजाइम की क्लासिफिकेशन भी इससे डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रांसफरेज की फैमिली में आ रहा है। उसके बाद आप देखें तो दूसरा एंजाइम आइसोमेरेज की फैमिली में आएगा, क्योंकि ये कैसा काम कर रहा है, आइसोमेरेज कर रहा है, ये सुनो। तो अब ये जो पायरोन स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो गया फ्यूरॉन में, क्योंकि फ्रक्टोज फ्यूरॉन में आ जाता है। इसके पीछे रीजन है कि फ्यूरॉन में नहीं करेंगे तो ये पहले कार्बन पे फॉस्फेट नहीं ऐड कर पाएंगे, तो छठवें पे तो ऐड हो चुका है, लेकिन अब पहले पे भी ऐड करना है तो पहले कार्बन को फ्री करो, तो रिंग से बाहर निकालो। तो रिंग से बाहर निकालने के लिए आइसोमर फॉर्म होता है ग्लूकोज से फ्रक्टोज, और अब वन कार्बन बाहर आ गया। नाउ द सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन विल हैपन हियर।
सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन का मतलब द सेकेंड काइनेज, और क्योंकि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो है फ्रक्टोज फॉस्फेट, तो इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम का नाम होता है वो होता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1, दैट इज नोन एज PFK1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस. सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम यही होता है, क्योंकि यहां तक जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये जो है कमिटेड स्टेप नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और भी जगह पे जा सकता है, और भी मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है, ग्लाइकोजन बना सकता है, अलग जगहों पे जा सकता है. तो कई सारे लोग कहते हैं कि दिस फर्स्ट स्टेप इज द कमिटेड स्टेप, बट नो, हेक्सोकाइनेज का स्टेप इरिवर्सिबल जरूर है, रेगुलेटरी जरूर है, लेकिन रेट लिमिटिंग नहीं है, ना ही वो कमिटेड है. वो रेट लिमिटिंग और जो कमिटेड होता है वो होता है थर्ड प्रोसेस, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अगर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया तो इसके बाद अब ये प्रोसेस रिवर्स पॉसिबल नहीं, मतलब ये कहीं और जा ही नहीं सकता, अब इसको ग्लाइकोलिसिस में ही जाना है. तो आप इस थर्ड स्टेप को बोलते हैं दैट इज रेट लिमिटिंग, ये रेट लिमिटिंग होगा, और दूसरा जो है ये कमिटेड होता है. और आप देख भी सकते हैं कि ये जो स्टेप है वो एक इरिवर्सिबल स्टेप है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये कमिटेड होता है, क्योंकि इसके बाद जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की इसका कोई और फेट नहीं है, इसका जो एक ही डेस्टिनेशन है वो है पाइरुवेट. तो ये कंडीशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा. तो इन द सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन या इन द थर्ड स्टेप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 इज गोइंग, नाम में देखो 1 है, दैट मींस कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था उसके फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ देगा, एंड 6 पे ऑलरेडी फॉस्फेट था, फर्स्ट पे आ गया, तो आप बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया. तो ये आपका हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. नाउ दिस इज द 3 स्टेप्स, फर्स्ट हेक्सोकाइनेज, सेकेंड आइसोमरिज, थर्ड PFK1. पहले में छठवें नंबर पे ग्लूकोज पे फॉस्फेट जोड़ा गया, फिर उसके बाद उसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया गया, और फिर पहले नंबर पे फॉस्फेट जोड़ा गया, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यहाँ पे आ गया. नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देखिए फ्रक्टोकाइनेज भी एंजाइम के ट्रांसफरेज फैमिली से जो है बिलोंग करेगा. मूविंग अहेड द फोर्थ स्टेप, जिसमें क्या होता है एल्डोलेज, एंड वॉट इज एल्डोलेज, एल्डोलेज बेसिकली जो है वो तोड़ेगा, ठीक है, कहां पे तोड़ेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में, व्हेन यू सी दिस बॉन्ड, ठीक है, यहां पे कुछ ये जो है टूटता है, और ये टूटेगा तो स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये टूट के अलग हो जाएगा और इधर अलग. तो मैं अगर हाईलाइट करूं तो दिस रीजन इज गोइंग टू बी लाइक, एक 3 कार्बन इधर जाएगा, और कलर चेंज करूं तो इधर से जो टूटेगा ये 3 कार्बन इधर जाएगा, ठीक है. तो यहां पे थर्ड और फोर्थ कार्बन जो आप रिंग में देखते हैं एल्डोलेज, इन्हीं के बीच में क्या करेगा, क्लीव करेगा और 2 कार्बन बना रहा है. बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, तो जनरली ये एल्डोलेजेस जो होते हैं वो लाइएजेस फैमिली से जो है बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है. तो नाउ यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आप देखेंगे तो यू कैन सी, जैसे ही आपने तोड़ा, अभी तक ग्लूकोज 6 कार्बन था, फ्रक्टोज 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन था, इवन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन, लेकिन जैसे आपने तोड़ा 3 कार्बन इधर 3 कार्बन होता, तो 3 कार्बन का एक बनेगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि उसका जो फंक्शनल ग्रुप आप शो करते हैं वो है ग्लिसरेल्डिहाइड, एज यू कैन सी हियर, एंड द 3 कार्बन का एक और कंपाउंड बनेगा जिसमें आप बीच में कीटोन शो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है 3 कार्बन के. यहाँ पे देखिए नंबरिंग कैसे, पहला नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप, दूसरा, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे फॉस्फेट आ गया, और यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो आपका 1, 2 और 3, तो कुछ इस तरीके से हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या आप बोलेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को वापस कन्वर्ट करना रहेगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसके आगे नहीं जा सकता, उसको वापस कन्वर्ट करना है, एक जो एक्स्ट्रा बना है, तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए आइसोमेरेज, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कीटो और एल्डिहाइड का आइसोमर्स है, तो अगेन द एंजाइम आइसोमेरेज जो है यहाँ काम करेगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेजेस. सो दिस इज द योर प्रेपरेटरी फेजेस. अगर आपने यहाँ पे देखा तो कुछ प्रेपरेटरी फेज कैसे काम कर रहा था, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और वो कन्वर्ट होता है आपके दो बेसिक कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स में, एक है ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इन दोनों ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट तो आगे जाता है लेकिन डाइहाइड्रोक्सी को फिर से एक स्टेप में कन्वर्ट होना होता है, तो पांचवा स्टेप जो है वो आपको वहीं पे लगता है। तो टोटल यू कैन से द 5 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट आपको हुई, और 5 स्टेप्स लगते थे आपके किसमें, प्रेपरेटरी में, जिसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप को इरिवर्सिबल और तीसरे स्टेप को इरिवर्सिबल देखते हैं, इसके अलावा बाकी के स्टेप्स रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने का मतलब यह है कि अगर मुझे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को एल्डोलेज ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, तो वही एंजाइम ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को रिवर्स कर सकता है, तो ये केस जो है वो आपके साथ बनता है। सिमिलर केस में अगर मैं फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की बात करूं, वो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, तो सेम एंजाइम फ्रक्टोज 6 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। रिवर्सिबल स्टेप का यही फायदा है कि सेम एंजाइम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के लिए जो है चलेगा, जब इसको ग्लूकोज से फ्रक्टोज या फ्रक्टोज से ग्लूकोज करना कर सकता है। लेकिन अगर आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करना है तो हेक्सोकाइनेज चाहिए, लेकिन अगर मुझे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज करना होगा तो क्या हेक्सोकाइनेज काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर मुझे वापस से किसी वजह से रिवर्स करना पड़े तो वी नीड डिफरेंट एंजाइम, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफरेंट एंजाइम की जरूरत पड़ेगी अगर रिवर्स करना होगा, लेकिन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस सेम एंजाइम दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां तक बात समझ में आई? Yes, ये क्या है? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज कितने स्टेप्स थे प्रिपरेटरी फेज में? फेजेस में 5 फेजेस थे। किन स्टेप्स पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था? 1 और 3। कौन से स्टेप इरिवर्सिबल है? 1 और 3। हेक्सोकाइनेज का इन्वॉल्वमेंट किस स्टेप में शो करते हैं? फर्स्ट। रेट लिमिटिंग या कमिटेड स्टेप कौन सा होता है? थर्ड। थर्ड स्टेप। उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पूरा अगर प्रिपरेटरी फेज को समराइज करो तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने मोल ऑफ ग्लिसरलडिहाइड बना रहा है? दो। 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 एक मोलिक्यूल या एक मोल ऑफ ग्लूकोज 2 मोल ऑफ ग्लिसरलडिहाइड बनाएगा, क्योंकि 3-3 कार्बन के बनेंगे, ठीक है। कितने एटीपी का इन्वॉल्वमेंट पूरे आपने प्रिपरेटरी फेज में शो किया नेट एटीपी का इन्वॉल्वमेंट? 2। एक पहला और एक तीसरे पे। क्लियर हो गया ये प्रिपरेटरी? Yes, sir. आपने इन्वेस्ट किया कितना? 2 एटीपी का, और अब रिटर्न की बारी है। आपने एक ग्लूकोज को तोड़ के 2 ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया। मूविंग अहेड द रिटर्न, रिटर्न की बारी देख लेते। तो जब रिटर्न की बारी है तो यू हैव द 2 ग्लिसरलडिहाइड 2 मोल ऑफ द ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट। द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मोल ऑफ द ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट इज शोन हियर। द नंबरिंग यू कैन शो हियर दैट इज द फर्स्ट, सेकंड एज वेल एज द थर्ड। यस। नाउ 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 10वां ऐसा स्टेप है जो इरिवर्सिबल है, बाकी की 6, 7, 8, 9, और 10th जो है वो कैसे है, वो सॉरी 10th को छोड़ के 9th जो है वो इरिवर्सिबल है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में जब मेंशन किया था तो ये इरिवर्सिबल पाथवे में बोला था कि 1, 3, और 10th जो है वो ही इरिवर्सिबल स्टेप्स है, और आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसे ही पे ऑफ फेज का पहला स्टेप होता है जिसको आप बोलते हैं 6th स्टेप, इसमें एक एंजाइम यूज होता है दैट इज ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फो डीहाइड्रोजिनेज। एंड एज यू कैन सी जैसे ही आपने डीहाइड्रोजिनेज मेंशन किया, यू कैन से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली का एंजाइम है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब इस ग्लिसरलडिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ग्लिसरलडिहाइड है ये, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड से एसिड बनाएगा, इसीलिए ये बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट। देख रहे यहां पे क्या हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है।
ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड से अब ग्लिसरेट बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर यहाँ पे होता है NAD+, और यही NAD+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। अगर एक मोल ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक NADH बनाएगा, तो दो मोल ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दो NADH बनाएंगे। यस और नो? यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन, और ये फॉस्फोराइलेशन के लिए किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत थी कि डायरेक्ट सब्सट्रेट से प्रोडक्ट जब बन रहा था उसी टाइम पे एटीपी बना है। एटीपी इसमें बना ही नहीं है, इसमें सिर्फ फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब इसमें फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ अभी तो मैंने बताया नहीं। यहाँ पे ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, और NADH या FADH2 वही बनेंगे जहां पे आप ऑक्सीडेशन शो करते हैं। फैटी एसिड जब हमने पढ़ा था उसमें भी ऑक्सीडेशन में ये बन रहे थे। दूसरा स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, ये भी यहीं पे होता है, और वो फॉस्फोराइलेशन के लिए आप देखते हैं दो PI चाहिए, और ये PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब H3PO4 से आता है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इस H3PO4 से दो फॉस्फेट आते हैं, और ये दो फॉस्फेट एक्चुअली में मतलब एक फॉस्फेट एक बार में ग्लिसरेल्डिहाइड के ऊपर जुड़ता है, और तीसरे पे तो था ही, अब पहले पे भी जुड़ेगा। देखिए जरा सर, थर्ड नंबर पे फॉस्फेट था, ये ग्लिसरेल्डिहाइड था क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो था एल्डिहाइड का। अब इसके बाद एक एंजाइम में ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेट, ठीक है, तो वो एंजाइम क्या करता है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कराता है और NADH बना देता है, और इसके साथ तीसरे नंबर पे फॉस्फेट तो था ही था, इसके साथ पहले नंबर पे ये देखिए फॉस्फेट जुड़ देता है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COO और इसके साथ फॉस्फेट, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 1,3-bis-phosphoglycerate, और इससे पहले क्या था, ग्लिसरेल्डिहाइड था। यस और नो? ग्लिसरेल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर ग्लिसरेट बन गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, फॉस्फोराइलेशन भी हुआ। फॉस्फोराइलेशन होके एक फॉस्फेट सबस्ट्रेट पे जुड़ गया, कहाँ पे, पहले नंबर पे, और एक NADH बना, लेकिन दो मोल ग्लिसरेल्डिहाइड के थे तो दो मोल NADH बनेंगे, और दो मोल आपका 1,3-bis-phosphoglycerate बना। सेवेंथ स्टेप इज द फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन, और ये प्रोसेस जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का शो करते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट ATP बन रहा है। कैसे, देखिए 1,3-bis-phosphoglycerate में दोनों फॉस्फेट थे, 1 पे और 3 पे। जो फॉस्फेट आपने 6th में जोड़ा पहले पोजीशन पे, उस फॉस्फेट को उठा के भेज दीजिए ATP बना दीजिए। ये आया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और बन रहा है ATP में, तो ये ATP जो बना इसमें किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत है ही नहीं, इसीलिए ये ATP कहलाता है, या इस ATP का प्रोडक्शन कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी सबस्ट्रेट के लेवल पे ही ATP बन जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये एंजाइम इस 1,3-phosphoglycerate में जो पहले पोजिशन पे फॉस्फेट जुड़ा था वो फॉस्फेट उठा के ADP को दे देता है, और ADP उससे ATP बना देता है। तो ये हो गया 2 ATP का फॉर्मेशन। आफ्टर दिस प्रोसेस अब ATP निकल, फॉस्फेट निकल जाने की वजह से जो 1,3-bis-phosphate था वो हो जाता 3-phosphoglycerate, और 3-phosphoglycerate जो है अभी भी एसिड के फॉर्म में। नाउ अब 3-phosphoglycerate से इसका पोजीशन फॉस्फेट का 3 से 2 की तरफ भेजा जाता है, तो 3 से उठ के 2 पे लाना है। इसके लिए यहाँ पे चाहिए होता है म्यूटेज, जो कि बेसिक तौर पर यहाँ से उसको ट्रांसफर करता है सेकेंड पे, तो ये जो है 2-phosphoglycerate बन जाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें से फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ, एंड देन अब यहाँ पे OH आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल, और अगर इसको हम रिड्यूस कर दें जैसे फैटी एसिड में होता था, तो रिड्यूस करेंगे तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईन में, डबल बॉन्ड में, या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस आप शो करते हैं। देखो एनोलेज है, तो ये देखिए H2O रिमूव हो रहा है यहाँ से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो जैसे ही वाटर रिमूव हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, ये OH ग्रुप किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP बोला जाता है इसको, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अगर याद आ रहा हो तो यही फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट
और आपके जो है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट मिलकर ही एरोमेटिक फैमिली जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो। और ये फॉस्फेनॉल पाइरुवेट अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। और पाइरुवेट काइनेज की मदद से ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में जो फॉस्फेट है अब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एडीपी को, और अब बच जाएगा आपका पाइरुवेट। पाइरुवेट के स्ट्रक्चर में आपका एक COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक, एक कीटोन ग्रुप जो कि दूसरे पोजिशन पे है, और एक जो है वो आपका मिथाइल ग्रुप। तो ये है पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन कार्बन कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं, और ये हो जाता है आपका 2 मोल ऑफ पाइरुवेट बन जाता है। इस तरीके से आपका पे ऑफ फेज जो है वो ऑपरेट होता है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको 2 ATP भी बनते हैं, और वो दोनों ATP अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ही बनेंगे। तो 2 लेवल पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, 1 लेवल पे ऑक्सीडेशन हुआ, 1 लेवल पे ऑक्सीडेशन, 2 लेवल पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, 6वें लेवल पे ऑक्सीडेशन है, 7th पे पहला SLP है, और 10th पे जो है वो आपका सेकेंड SLP यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। अगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नेट ATP जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 4, 2 7th पोजीशन पे, 2 10th पोजीशन पे, वाई 2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट है तो 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट बना रहा था, इसलिए जो है 2 मोल ऑफ ATP यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 टोटल नेट 4 ATP और 2 NADH जो है बन रहा था। इस तरीके का ग्लाइकोलिसिस अगर आप समझ गए तो ये क्या है आपका बेसिक एनारोबिक प्रोसेस। क्लियर है या अभी समझ में बाकी है? आ गया सर, एकदम आसान है। तो उसको जो मैंने यहाँ पे समराइज किया था ये आपको क्लियर हुआ कि एक ग्लिसरल ग्लूकोज जो है वो 2 मोल ऑफ ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट बना रहा था प्रेपरेटरी में, और 2 ATP कंज्यूम कर रहा था, कौन कौन से स्टेप में? पहले स्टेप में और थर्ड स्टेप में। और पहला स्टेप जो है वो बेसिक तौर पर हेक्सोकाइनेज का है, और दूसरा स्टेप जो है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का। एंड पे ऑफ एजेस में जो है 4 ATP बन रहे थे, एक 7th पोजीशन पे SLP और एक 10th पे बन रहा था, और 2 NADH बनते थे 6th स्टेप पे, ठीक। तो ये केसेस आप शो करते हो, और जो मैंने बताया कि नेट ATP एरोबिक और एनारोबिक में कितना बनेगा वो आपको समझ में आ गया। यस और नो? यस सर। यस बोलो भाई। ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसमें 3 मैंने इरिवर्सिबल स्टेप को शो किया था ग्लाइकोलिसिस में। कितने इरिवर्सिबल स्टेप को शो किया था मैंने ग्लाइकोलिसिस में? 3, पहला, तीसरा और 4, 10th। पहले पे जो एंजाइम था वो कौन सा रेगुलेटरी? हेक्सोकाइनेज। थर्ड पे कौन सा था? थर्ड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पाइरुवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम्स। अब ये तीनों की तीनों जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप्स को जो है परफॉर्म करते थे, और जब इरिवर्सिबल थे तो ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल होता है। इसमें से रेट लिमिटिंग कौन होता है? PFK वाला। कमिटेड कौन है? थर्ड। रेगुलेटरी कौन है? तीनों या सिर्फ एक है? तीनों ही रेगुलेटरी है। अगर इरिवर्सिबल है तो रेगुलेटरी होंगे ही होंगे। रेगुलेटरी आपका HK भी है, PFK भी है, और साथ में पाइरुवेट काइनेज भी। अब रेगुलेटरी है तो इनका रेगुलेशन या तो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा या तो नेगेटिव रेगुलेशन। व्हाट डज इट मीन द पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन? पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब यह है कि जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। और नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाए? घट जाए। ये मैं एलोस्ट्रिक नेचर में बता चुका हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि ज्यादातर केसेस में जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होता है पॉजिटिव रेगुलेटर का? ज्यादातर जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो इन्फ्लुएंस करता है कॉन्फर्मेशनल चेंज के लिए, इंड्यूस करता है फिट होने के लिए। लेकिन नेगेटिव रेगुलेशन के तौर पे आप ज्यादातर किसको शो करते हैं? प्रोडक्ट को। अब वो प्रोडक्ट चाहे इंटरमीडिएट हो या चाहे एंड प्रोडक्ट हो, ज्यादातर ये करते हैं ना भाई? यस सर। ये लॉजिक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप चीजें समझ जाओगे कि पॉजिटिव रेगुलेटर जनरली क्या होगा।
अच्छा ग्लाइकोलिसिस जो परफॉर्म हो रहा है उसमें नेट एटीपी का प्रोडक्शन 2 ATP आप शो कर रहे थे, अगर एनारोबिक कंडीशन है तो ग्लाइकोलिसिस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है क्या एटीपी प्रोडक्शन ही तो है? तो अगर मैं बोलूं तो एटीपी बनना एक उसका एंड प्रोडक्ट के तौर पे हम शो कर सकते हैं। तो अब जरा समझिए, जैसे हेक्सोकाइनेज का जो सबस्ट्रेट था वो था ग्लूकोज और जो प्रोडक्ट था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज का पॉजिटिव रेगुलेटर होगा या नेगेटिव रेगुलेटर होगा? पॉजिटिव रेगुलेटर। पॉजिटिव रेगुलेटर। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कैसा होगा? नेगेटिव रेगुलेटर। नेगेटिव रेगुलेटर होगा। तो वही चीज जो है यहाँ पे मेंशन की गई थी, अगर आप देखोगे तो हेक्सोकाइनेज में नेगेटिव रेगुलेशन के तौर पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को मेंशन किया गया और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यहाँ पे क्या है, उसका प्रोडक्ट है। तो यही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इसी हेक्सोकाइनेज को कैसा शो करेगा? फीडबैक इनहिबिशन ही तो बोलते हैं ना इसको, जब प्रोडक्ट अपने एंजाइम को इनहिबिट करे तो दैट इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन नेगेटिव रेगुलेटर। और पॉजिटिव रेगुलेटर के तौर पे आप ग्लूकोज को शो कर सकते हैं, यस और नो? यस। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी काम करेगा। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर्स हो सकते हैं। अब कौन कौन से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर होंगे जरा समझिए। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके लिए जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव रेगुलेटर के तौर पे ग्लूकोज, नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, सिंपल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया पीएफके है, और पीएफके इसलिए क्योंकि पीएफके के जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं, पीएफके का जो सबस्ट्रेट होता है वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है एंड उसका जो प्रोडक्ट होता है फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट तो सीधे सीधे एक पॉजिटिव रेगुलेटर होगा और फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव रेगुलेटर। एक और आता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 2-6-बिसफॉस्फेट, याद रखिए ये 1-6 नहीं है, ये 2-6 है और यही बहुत पूछा जाता है फ्रक्टोज के केसेस में। 2-6 वाला जो होता है वो उस पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह होता है और ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट जैसा है 2-फॉस्फेट वाला लेकिन प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट 1-6 है। तो 16 में इनहिबिशन और 26 में जो है पॉजिटिव वाली कंडीशन है, ठीक है। तो पीएफके में 2-6 अगर 20-फॉस्फेट फ्रक्टोज होगा तो पॉजिटिव रेगुलेटर होगा और 1-6 होगा तो नेगेटिव रेगुलेटर होगा। इसके अलावा अगर एटीपी बहुत ज्यादा हो जाए, अगर एटीपी बहुत ज्यादा होता है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का नेगेटिव रेगुलेटर हो और एएमपी अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव रेगुलेटर हो, ऐसा क्यों भाई? ग्लाइकोलिसिस का अगेन एंड प्रोडक्ट क्या है भाई, एटीपी है ना, तो एटीपी एंड प्रोडक्ट है। तो एटीपी अगर बहुत ज्यादा होगा सेल में तो क्या ग्लाइकोलिसिस के परफॉर्म होने की जरूरत है? सोचो, अगर हमारे सेल में एटीपी बहुत तो एटीपी इनहिबिटर होगा कि जो है पॉजिटिव रेगुलेटर होगा? एक और मैं शो कर रहा हूं वो है सिट्रेट। क्या बोला मैंने? सिट्रेट। अब सिट्रेट सोच रहे हो कहां पे है, ये होता है टीसीए साइकिल में। अब सिट्रेट को बनाने के लिए चाहिए होता है एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए बनता है पाइरुवेट से और पाइरुवेट बनेगा 3-ग्लिसरेडाइड 3-फॉस्फेट से, 3-फॉस्फेट बनता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से, फ्रक्टोज 1-6 एंड सो ऑन। तो आप सोचिए कि सिट्रेट एक तरीके का बहुत दूर का प्रोडक्ट है, वो भी आके जो है किसको रेगुलेट करता है, इसी पर्टिकुलरली जो है पीएफके को, लेकिन ये नॉट पॉजिटिव रेगुलेटर। ये कैसा होगा, प्रोडक्ट है तो कैसा रेगुलेटर होगा, नेगेटिव रेगुलेटर, नेगेटिव, ठीक। वैसे पाइरुवेट काइनेजेस के भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर्स होंगे, यस और नो? बोलिए जनाब, ये देखिए उसके पॉजिटिव रेगुलेटर्स पाइरुवेट काइनेज के, जैसे एएमपी, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ये सभी देखिए सबस्ट्रेट है। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज ज्यादा बनेगा तो ग्लाइकोलिसिस ज्यादा होगा और नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पे एटीपी, एसिटाइल कोए और एलेनिन ये जो है शो करते। तो अगर मैं इन पे शो करूं तो यहां देखिए पॉजिटिव रेगुलेटर के तौर पे आप बोलते हैं एएमपी होगा तो पॉजिटिव रेगुलेटर, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है पॉजिटिव रेगुलेटर, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन रहा है पॉजिटिव रेगुलेटर, ये सभी सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं यहां पे। नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पे एटीपी, क्योंकि एटीपी इसका प्रोडक्ट है, पाइरुवेट काइनेज का डायरेक्ट प्रोडक्ट ही है, बाकी तो छोड़ो। इसके अलावा पाइरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोए, तो एसिटाइल कोए भी अगर ज्यादा होगा तो पाइरुवेट का प्रोडक्शन जो है या पाइरुवेट काइनेज को इनहिबिट करेगा।
और साथ में एक आता है एलिनीन। वाई? क्योंकि अगर याद आ रहा हो तो पाइरुवेट से एक जो मैंने अमीनो एसिड का एनाबोलिज्म शो किया था उसमें एलिनीन भी एक प्रोडक्ट था कि नहीं था, विला वाला कॉन्सेप्ट याद करो था ना, तो एलिनीन भी एक तरीके का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं जो पाइरुवेट से बन रहा है, और इसकी वजह से एलिनीन जो है वो पाइरुवेट काइनेज को इनहिबिट कर सकता है कि नहीं फीडबैक इनहिबिशन से। यस सर। तो ये सभी क्या हुए, ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशंस, यही जो है ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेटर जो है पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप ट्राई कर रहे हो, चाहे गेट हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर हो या एनी एग्जाम सीएसआईआर व्हाटएवर। तो रेगुलेटर क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बात इतनी सी थी कि पहले 5 स्टेप में प्रिपरेटरी फेजेस थे, लास्ट 5 में पे ऑफ थे, नेट एटीपी 2 बना और 2 मॉलिक्यूल का एनएडीएच बना। अगर एरोबिक होगा तो टोटल 7 एटीपी बनेंगे, अगर नहीं होगा तो आपका बेसिक तौर पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनेगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, ये उल्टा हो गया, ये एनएरोबिक इधर होना चाहिए नॉट एरोबिक। तो ये अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो टोटल 7 एटीपी बनेंगे, और अगर एनएरोबिक होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनेगा। एक केस यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक, पता है ना आर्सेनिक एक मेटल है जो कि पाया जाता है आपके कई सारे मतलब जो ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इनको लोग जो गंगा या कहीं पे भी बहा देते हैं तो उससे डेवलप होते हैं कंटामिनेंट्स, और पानी में अगर आर्सेनिक हो जाए तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट माना जाता है वाटर पॉल्यूशन में। आर्सेनिक जो है वो करता क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक जो नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस हो जाता है वो हो जाता है 0, नेट गेन ऑफ एटीपी इन द ग्लाइकोलिसिस 0, मतलब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है लेकिन एटीपी बनी नहीं है। रीजन बीइंग दैट देयर इज अ नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एट द स्टेप 7। स्टेप 7 में जो हमने स्टेप 6 में एक फॉस्फेट को ऐड किया था, तीसरे पहले पोजीशन पे बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाया था 1,3, वो पहले पोजीशन का जो फॉस्फेट 7th स्टेप में एडीपी को दिया जाना होता है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो बनता है, इन दिस केस क्या होता है कि ये आर्सेनिक, ये 1 आर्सेनिक सल्फेट जो होता है वो आर्सेनिक जुड़ जाएगा किसके साथ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ, और वो फॉस्फेट जो एडीपी को देना है वो होगा ही नहीं, एंड इन दिस केस आपको कोई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलेशन हो ही नहीं रहा। तो जो 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है आर्सेनिक के साथ जुड़ के 1 आर्सेनिक 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना दे रहा है, यानी जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था वो 1 आर्सेनिक 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अब जिसकी वजह से ना तो कोई फॉस्फोरिलेशन हुआ तो 1,3 BPGA ही नहीं बनेगा, जब बनेगा ही नहीं तो फिर अगले लेवल पे जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है वो होगा ही। तो आर्सेनिक जो है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को बनने ही नहीं देता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये ध्यान रहे कि आर्सेनिक खोखे होने की वजह से 7th स्टेप का एटीपी बनेगा ही नहीं, और जब 7th स्टेप पे कोई एटीपी नहीं बनेगा तो 2 एटीपी यूज हुआ, 2 एटीपी बना, नेट गेन 0, ग्लाइकोलिसिस का फिर कोई मतलब बना नहीं। तो ये आर्सेनिक का एक केस है, ध्यान रहे कि क्या करता है। तो ग्लाइकोलिसिस आपको समझ में आ गया कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बना रहा है, यस और नो? हाँ सर। अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी एक मेटाबॉलिज्म है, सुना कभी इसके बारे में? यस सर। ग्लूकोनियोजेनेसिस का बेसिक फंडा ये होता है कि अगर बॉडी में कार्ब्स नहीं प्रेजेंट है, और जब कार्ब्स नहीं प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन से या फैटी एसिड से जो है एटीपी को सिंथेसाइज करवाया जाता है, और उन केसेस में ग्लूकोज को बनवाया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब होता है न्यू पाथवे, नए तरीके से ग्लूकोज को बनाना। तो नए तरीके से ग्लूकोज को बनाने के लिए जो पाथवे होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसको बोलते हैं इट इज अ रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब मैंने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था तो ग्लाइकोलिसिस में आपको 3 स्टेप्स शो किए थे जहां पे की चीजें रिवर्स नहीं हो सकती, बाकी के 7 स्टेप्स जो होंगे पे ऑफ के 4 और प्रेपरेटरी के 3, तो एक ही वही एंजाइम बाई डायरेक्शनल काम कर लेगा, लेकिन इन द केस ऑफ कह सकते हैं कि 3 स्टेप्स फर्स्ट थर्ड एंड 10th वहां पे
वही एंजाइम काम नहीं करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ अलग एंजाइम चाहिए। तो सवाल आता है कि अगर थोड़ा ध्यान दीजिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे ऑपरेट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड का जब कैटाबोलिज्म होता है तो फैटी एसिड क्या बनाता है, एसिटाइल कोए। अरे कैटाबोलिज्म होके यही बनाएगा ना फैटी एसिड से। यस सर। एसिटाइल कोए जो है क्या कन्वर्ट होगा किसमें, अब ये पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और ये पाइरुवेट अब वापस किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। अब जब पाइरुवेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो तो यही बात भी होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको पता है कि कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बनाते हैं सिट्रेट, जो बनाते हैं ऑक्सिलो एसिटेट, क्योंकि इनसे आपने अगर याद हो एस्पार्टेट फैमिली, ग्लूटामेट फैमिली, और कुछ तो एसिटाइल कोए से है, याद आ रहा कुछ कुछ, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ऑक्सिलो एसिटेट, मैंने अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म पढ़ा दिया है। तो आप सोचिए कि ये टूटेंगे और इससे क्या बनेगा, टीसीए साइकिल से वापस एसिटाइल कोए रिलीज हुआ, एसिटाइल कोए फिर जाएगा पाइरुवेट में, और पाइरुवेट क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो ये फैटी एसिड अमीनो एसिड से जो है ग्लूकोज बनाया जा रहा है, और यही पाथवे क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर देखिए तो ये पाइरुवेट से ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, जबकि ग्लाइकोलिसिस क्या था, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने का प्रोसेस है। तो ये रिवर्स नहीं दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस का, बोलिए सर। यस सर। तो अब चलिए देखते हैं कि वो रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में दो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस में कितने स्टेप लगेंगे, 10 लगेंगे या 11? इलेवन स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। व्हाई 11 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, रीजन बीइंग दैट जो लास्ट स्टेप आप देख रहे थे, मैं अगर आपको प्रिपरेटरी और पे ऑफ की बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस क्या था, ग्लाइकोलिसिस ये था कि एक ग्लूकोज पहले 2 मोल ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड आफ्टर दिस कन्वर्जन आपको क्या मिल रहा था कि 2 मोल ऑफ द ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है 2 मोल ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहे थे, यही ग्लाइकोलिसिस था। लेकिन अब क्या है कि सारी चीजें एसिटाइल कोए से पाइरुवेट में पहुंच रही हैं, अब पाइरुवेट को वापस लेके चलना है ग्लूकोज तक। तो अब देखिए कि ये पहला स्टेप ही अगर ये उल्टा चलेगा तो पाइरुवेट इज द सबस्ट्रेट एंड ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो पाइरुवेट इज द सबस्ट्रेट एंड द ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट। तो उस हिसाब से ये जो 10th स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस होगा दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से वापस कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में एक स्टेप में, लेकिन जब हमें पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाना होता है तो ये 2 स्टेप में जाता है, ना कि इस स्टेप में, इसीलिए इसमें टोटल 11 स्टेप लगते हैं। और जो 10वां स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस का, वही स्टेप होगा बेसिक तौर पर पहला, और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस का। जो 9th होगा ग्लाइकोलिसिस का वो 3rd हो जाएगा, जो 8th होगा वो 4th हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब ये एंजाइम जो चारों में शो कर रहा हूं, इन चारों में कोई एंजाइम अलग चाहिए या चारों बाइडायरेक्शनल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते, सेम चाहिए, सेम अलग चाहिए? पाइरुवेट काइनेज के लिए, क्योंकि कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। तो यहां पे एक अलग एंजाइम चाहिए जो वापस इसको ला सके, उसके बाद पीईपी को वापस कन्वर्ट कर देगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, कौन, वही इनोलेज, इसको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, उसी वापस से बैकवर्ड, ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड, वापस पहुंच गया ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। सिंपल, बस आप पाइरुवेट को पीपी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये हो गया तो यहां पहुंच गया। अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से अगर देखें तो ये होगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, अब फिर से एल्डोलेज उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में। अब ये फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होना है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। अब दिस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, लेकिन ये एक रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, इसीलिए एंजाइम अलग चाहिए। और आपको सेंस भी होगा कि देखिए यहां पे फॉस्फेट जुड़ने के लिए काइनेज चाहिए, तो उस फॉस्फेट को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, फॉस्फेटेज चाहिए। यस और नो? यस सर। यस सर। और फिर उसके बाद ये स्टेप जो होगा 10वां स्टेप, इसमें देखिए आइसोमेरेज है, बाइडायरेक्शनल है, वही एंजाइम काम करेगा। फिर आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा हेक्सोकाइनेज के बदले, काइनेज जब फॉस्फेट को जोड़ रहा है तो फिर यहां एक फॉस्फेटेज चाहिए जो फॉस्फेट को हटाए। ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ में वो कुली अब आ गया होगा, कुछ है नहीं इसमें, देख लो फटाफट। यस
जरा सा ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करूं जिसमें लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस को रिवर्स करना है, और वो दो स्टेप में होता है, एक स्टेप में नहीं हो पाता। दो एंजाइम यहाँ पे जरूरी होते हैं, एक को बोलते हैं पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और दूसरे को बोलते हैं पीईपी कार्बोक्सी काइनेज। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और पीईपी कार्बोक्सी काइनेज, ये दो एंजाइम मिलकर पाइरुवेट को पीईपी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो पाइरुवेट यहाँ पे ये रहा एंड दिस पाइरुवेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोनॉल पाइरुवेट इन द टू स्टेप मैनर। पहले स्टेप मैनर में क्या है कि ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, इस फंक्शनल ग्रुप पे पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, एज द नेम सजेस्ट कार्बोक्सिलेज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एड हो रहा है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का डोनर चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी बाइकार्बोनेट। एटीपी का इन्वॉल्वमेंट भी आपसे होगा, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटीपी और बाइकार्बोनेट की मदद से एक कार्बन आपने जोड़ दिया। तो अब तीसरे कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे CO2 जुड़ गया, तो ये फोर्थ कार्बन भी आ गया, तो 1, 2, 3 एंड 4 ये हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्सिलो एसिटेट। याद आ रहा, ये ऑक्सिलो एसिटेट एक इंटरमीडिएट है किसका, TCA का, और मैंने एक सटल बताया था फैटी एसिड में, अगर थोड़ा बहुत याद हो। फैटी एसिड जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था आपके, तो उस फैटी एसिड्स में मैंने बताया था कि कैसे जो है एसिटाइल कोए का ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में, और उस एसिटाइल कोए बाइंड करता है ऑक्सिलो एसिटेट से, और ऑक्सिलो एसिटेट जो है उसके साथ जाता था, सिट्रेट बनाता था, सिट्रेट ट्रांसफर होता था साइटोसोल में, सिट्रेट से मैलेट, मैलेट से फिर ऑक्सिलो एसिटेट, और ऑक्सिलो एसिटेट से पाइरुवेट, और पाइरुवेट फिर वापस ट्रांसफर करता था माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता था, ऑक्सिलो एसिटेट में, और कौन सा एंजाइम है, यही पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कुछ कुछ? यस सर। तो अब ये ऑक्सिलो एसिटेट पर, अब इस ऑक्सिलो एसिटेट को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करता है पीईपी कार्बोक्सी काइनेज। दिस पीईपी कार्बोक्सी काइनेज ये जीटीपी को यूज करता है, और जो CO2 एड ऑन होता है वो CO2 को रिमूव कर देता है, उसी को रिमूव कर देगा, और जो उसी पोजीशन पे जोड़ता है क्या, आपका फॉस्फेट। तो देखिए ये फॉस्फेट जोड़ दिया इसने, और साथ में आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो दो स्टेप चाहिए, एक पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज से, पाइरुवेट से ऑक्सिलो एसिटेट, और ऑक्सिलो एसिटेट से पीईपी बाय द पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज। तो यही कहानी है पूरी ग्लूकोनियोजेनेसिस की, नथिंग एल्स। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप आ जाते, अब इस पूरे केस को समझिए। यहाँ पे पाइरुवेट है, दिस इज पाइरुवेट। पहले मैं ऊपर से चल रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस देखिए तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमेरेज चाहिए फ्रक्टोज 6 से, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, क्या चाहिए, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेजेस, इरिवर्सिबल स्टेप था। उसके बाद एल्डोलेजेस, जो उसको तोड़ेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में, या तोड़ेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 6 स्टेप में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट उसमें कन्वर्ट होते हैं, फिर आप देखेंगे तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एंड देन आफ्टर दैट 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन उसके बाद फॉस्फोनॉल पाइरुवेट एंड पाइरुवेट। ये ग्लाइकोलिसिस था। नाउ मूविंग रिवर्स, अब रिवर्स चले तो ध्यान दें कि इन द केस ऑफ रिवर्स जो पाइरुवेट काइनेज था वो एक स्टेप में हो रहा था, लेकिन यहाँ दो स्टेप में, पहला पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और उसके बाद पीईपी कार्बोक्सी काइनेज, जिससे कि पाइरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सिलो एसिटेट में और कन्वर्ट होता है पीईपी में। अब पीईपी कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, पीपी कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, वो कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, वही सेम एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस के थे क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, फिर वही एंजाइम जो है 3 फॉस्फो को 1,3 में कन्वर्ट करेगा। अब जहां एटीपी बन रहा था पहले ग्लाइकोलिसिस में, वहां एटीपी यूज हो रहा है, जहां एनएडीएच बन रहा था ग्लाइकोलिसिस में, वहां एनएडीएच यूज हो रहा है क्योंकि रिवर्स चल रहा है। तो 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के लिए एनएडीएच यूज हो रहा है, एंड देन 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एल्डोलेजेस इसको फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्योंकि रिवर्सिबल है। लेकिन अब आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, काइनेज क्या था, एड कर रहा था, तो यहाँ पे फॉस्फेटेज चाहिए जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज। नाम है फॉस्फेटेज, तो रिमूव करेगा फॉस्फेट कौन सा, पहले नंबर का, हटा दिया तो बचा क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आइसोमेरेज इसको ग्लूकोज में करेगा, अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए हेक्सोकाइनेज इरिवर्सिबल था, तो इसके बदले दूसरा एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज,
जो ग्लूकोज के छठवे फॉस्फेट को हटा देता है, तो आप इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज और ये हो जाता है ग्लूकोज. तो दिस इज द कॉम्पिटेटिवली ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. समझ में आया कुछ कुछ या नहीं? Yes, sir. किसी को डाउट? बोलो तो सही, हाँ ना कुछ भी. ठीक है, अब मैं इतनी दफा बोल चुका हूं कि मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि कैसे जो है पूरा प्रोसेस हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब आगे बढ़े, शॉर्ट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कोरी साइकिल. कोरी साइकिल का नाम सुना हो? When you see the कोरी साइकिल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म होता है. और कोरी साइकिल के ऊपर जब बात करते हैं तो कोरी साइकिल जो है वो एनोरोबिक रिस्पिरेशन और एरोबिक रिस्पिरेशन जैसा काम करता है. बात कर लेते हैं कि कोरी साइकिल क्या और कैसे जो है वो चल रहा है. When you see muscles में जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जो पाइरुवेट बनता था आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, ये जो पाइरुवेट आफ्टर ग्लाइकोलिसिस बनता है ये कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, क्योंकि मसल्स के केसेस में ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन है और लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन जो है लैक्टेट बना देता है. एंड ड्यू टू लैक्टिक एसिड ये ज्यादातर कब ऑपरेट होता है? एनरोबिक कंडीशंस में. अब ये लैक्टेट जो होते हैं ये रीजनरेट करते हैं आपके क्या एनएडी प्लस, एनएडी प्लस को फिर से रीजनरेट कर देते हैं और क्या यूटिलाइज करते हैं एनएडीएच को, जो कहां बना था ग्लाइकोलिसिस में. जो ग्लाइकोलिसिस में दो मोल ऑफ एनएडीएच थे वही दो मोल को यूटिलाइज करता है ये आपका. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यूटिलाइज करते हैं एनएडीएच के और जनरेट करते हैं एनएडी प्लस को. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैक्टेट जो बने थे अब वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं, भेज दिए. अब ब्लड स्ट्रीम का लैक्टेट कहां पहुंचेगा? लीवर में. लीवर में पहुंचने के बाद इसी लैक्टेट को वापस कन्वर्ट किया जाता है पाइरुवेट में और पाइरुवेट से फिर बनाया जाता है ग्लूकोज. और पाइरुवेट से ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस आपको पता है कि मैं अब फिर बताऊं कि कैसे बन रहा है? पता है सर. इस प्रोसेस से बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस. और ये साइक्लिंग जो है किसकी चलती रहेगी? लैक्टेट की. बनता कहां है लैक्टेट? मसल में. कहां पहुंचेगा? लीवर में. फिर क्या बनाता है? ग्लूकोज. फिर भेजेगा कहां? मसल्स में. ये चलता रहेगा. कितना इंटरेस्टिंग है कोरी साइकिल देख लीजिए. ये साइकिल एकदम क्लियर, एकदम आसान है. जब आप मसल्स की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द मसल्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड अदर्स, इन दीज केसेस ड्यूरिंग द एनरोबिक कंडीशंस, जब बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा आप एनरोबिक कंडीशंस में हैं, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना देता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट और नेट दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का गेन करता है. इस दौरान आपको दो एनएडीएच को जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, दो एनएडीएच जो आप शो करते हैं. आफ्टर दिस प्रोसेस ये दो मोल ऑफ पाइरुवेट जो है, क्योंकि एनरोबिक कंडीशन है तो कन्वर्ट होता है मसल्स में दो मोल ऑफ लैक्टेट के लिए. ठीक है, तो जैसे ही आप शो करते हैं तो ये दो मोल ऑफ लैक्टेट देखिए बना लिया और ये एनरोबिक कंडीशन में होगा, एरोबिक कंडीशन में नहीं, एनरोबिक कंडीशन में. और जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस. कौन सा एंजाइम चाहिए? लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस. ये स्टेप ही एनरोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है. इसी स्टेप को दूसरे शब्दों में लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं? फॉर्मेंटेशन. लेकिन फॉर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बनाना या कहना थोड़ा सा अनएथिकल सा लगता है. एथेनॉल के केसेस में आप थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे लोग एनरोबिक रिस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं, लेकिन हर जगह हम नहीं बोल सकते. तो आप इसको एनरोबिक रिस्पिरेशन बोलिए, जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो मोल ऑफ पाइरुवेट विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से ये वो एनएडीएच, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिहाइड्रोजिनेस, दो एनएडीएच कहां बना था? इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान. यही एनएडीएच अब यूज होगा. सो दिस टू एनएडीएच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस. तो ये एनएडीएच कहां से आया था? ग्लाइकोलिसिस वाला. तो वो यूज हो गया, वो वेस्ट गया नहीं, तो उसको यूज करके यही क्या कर देगा? उसको लैक्टेट में बना दिया. नाउ दिस लैक्टेट इज सिंथेसाइज्ड आइदर इन एरिथ्रोसाइट्स और इन मसल्स और इन अदर्स टिश्यूज. दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीवर. तो ये पहले ब्लड स्ट्रीम में आएगा और ब्लड से कहां पहुंचेगा? लीवर में.
लीवर एंड द रीनल कॉर्टेक्स, जिसको कि किडनी का एक हिस्सा बोलते हैं, वहां पहुंचे. दिस लैक्टेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द टू मोल ऑफ पाइरूवेट. कौन सा एंजाइम करेगा? वही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. और यही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस अगेन कन्वर्ट कर दिया लैक्टेट को पाइरूवेट में, क्योंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के तौर पर यहां पे. अब ये पाइरूवेट जो है 6 ATP का इन्वॉल्वमेंट शो करता है टोटल, और ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे से ये बना देता है क्या? ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज फिर लीवर से कहां आएगा? ब्लड में. और ब्लड से कहां जाएगा? मसल्स में. ये कोरी साइकिल लाग के जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो सवाल आता है, कई बार लोग इंटरव्यू में इसको पूछते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके बॉडी में एनरोबिक कंडीशन डेवलप हो रहा है, हाइपोक्सिया कंडीशन जिसे बोलते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो उस केसेस में एटीपी की ज्यादा जरूरत है, तो रिक्वायरमेंट सडन फुलफिल कैसे होती है? तो वो फुलफिल होती है कोरी साइकिल से. कोरी साइकिल जो आप धड़ाधड़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी में धड़ाधड़ क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड कहां जा रहा है? लीवर में. और लीवर फटाफट उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में. और वो आ रहा है ब्लड में, ब्लड से कहां पहुंच रहा है? मसल्स में. तो कोरी साइकिल जो है वो इंस्टेंट सप्लाई करता है ग्लूकोज का उसी लैक्टेट को जो एनरोबिक फर्मेंटेशन से बन रहा है. समझ में आ गई बात? यस सर. हुआ क्या था? ग्लूकोज से पाइरूवेट, पाइरूवेट से लैक्टेट बन रहा था आपके मसल्स या एरिथ्रोसाइट्स में, और वही लैक्टेट लीवर में जाके ग्लूकोज बन जा रहा था और ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था. तो ग्लाइकोलिसिस जो हो रही है वो मसल्स में हो रही है, एरिथ्रोसाइट्स में हो रही है, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है उसका साइट आप क्या शो करते हैं? लीवर या रीनल कॉर्टेक्स. क्लियर है? यस. कोई समस्या? नो सर. नो. आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़े तो मैंने जैसा बताया अभी कि थोड़ा फेट की बात कर लेते हैं, मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पाइरूवेट. ठीक है, तो ग्लूकोज जब हम चर्चा कर रहे थे तो ग्लूकोज से पाइरूवेट कन्वर्ट हो रहा था. वन मोल ऑफ ग्लूकोज जो है कितने मोल ऑफ पाइरूवेट बनाता है? कितने मोल ऑफ पाइरूवेट बनाता है भाई? दो मोल. अब ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहलाता है. इस प्रोसेस के दौरान जो है दो NADH का फॉर्मेशन होता है और साथ में दो ATP का फॉर्मेशन होता है. यस और नो? यस. अब ये पाइरूवेट या तो चला जा सकता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसको आप बोलते हैं TCA साइकिल. अब TCA साइकिल में तब जाएगा जब क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेजेंस. क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेजेंस. अगर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है तो ये जाएगा TCA साइकिल में. लेकिन व्हाट इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट? क्या बोलेंगे उसको? अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है या ऑक्सीजन की कमी हो गई, या तो ऑक्सीजन आप एब्सेंट बोलिए या तो आप बोल सकते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो सही लेकिन कमी हो गई. तो हाइपोक्सिया कंडीशन में जो है ये दो प्रोडक्ट बना सकता है. एक होता है लैक्टेट जो मैंने अभी समझाया आपको, जिसको बोलते हैं होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, जो जहां मसल्स और एरिथ्रोसाइट्स में होता है ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव वर्कआउट या ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस. एंड इन द केस ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यही पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ठीक, तो मैंने आपको फर्मेंटेशन का होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन अभी समझाया था कोरी साइकिल में. लेट्स डिस्कस द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द केस ऑफ एथेनॉल की उसमें कैसे होता है. और वो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं कि टिपिकल. ये स्ट्रक्चर देखोगे सारी चीजें क्लियर है. अगर आपने लैक्टेट पाथवे को देखा था या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखा, जिसको आप एनरोबिक रिस्पिरेशन में शो करते हैं, यानी जब ऑक्सीजन की कमी है, तो इसमें लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन ह्यूमंस में होता है. ठीक है, और फर्मेंटेशन एनरोबिक रिस्पिरेशन को ही बोला जाता है. लेकिन अब आजकल फर्मेंटेशन को बहुत अलग अलग टर्म से डिस्क्राइब किया जाता है, और हर वक्त फर्मेंटेशन एनरोबिक रिस्पिरेशन हो जरूरी नहीं है. ठीक है, यू कैन से द एनरोबिक फर्मेंटेशन एनरोबिक रिस्पिरेशन फर्मेंटेशन. आप फर्मेंटेशन जो है एनरोबिक रिस्पिरेशन को बोल सकते हैं, या इसको वो वाला स्टेटमेंट नहीं बोलते अंग्रेजी में कि ऑल एनरोबिक रिस्पिरेशन आर फर्मेंटेशन, बट ऑल फर्मेंटेशन आर नॉट एनरोबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन एंजाइमेटिक भी होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से होते. ठीक है, तो इसलिए आप उसको जो है एनरोबिक हर फर्मेंटेशन को नहीं बोल सकते. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन में हो रहा है, जहां पे ग्लूकोज जो है वो दो मोल ऑफ पाइरूवेट बनाता है, और ड्यूरिंग दिस ग्लूकोज के दो मोल ऑफ पाइरूवेट में दो मोल ऑफ एटीपी बन रहा था,
और 2 मोल ऑफ NADH बन रहा था। अब यही 2 मोल ऑफ पायरुवेट जो है वो कहा जाता है 2 मोल ऑफ लैक्टेट में, और वही जो 2 NADH बना था ग्लाइकोलिसिस में वही यूज हो जाता है और लैक्टेट बना। अब इसको वापस से रिवर्स किया जाता है बाय द कोरी साइकिल। अगर ये लैक्टेट जो है विद द हेल्प ऑफ लीवर ग्लूकोज में रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो इसी साइकिल को आप क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल। ठीक, एथेनॉल पाथवे क्या कहता है कि ज्यादातर ये ईस्ट में होता है, फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल बियर के फॉर्मेशन के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, राइस फर्मेंटेशन भी होते, बहुत सारे अलग अलग फर्मेंटेशन है जिसमें आप एथेनॉल के प्रोडक्शन को जो है वो शो करते हैं। तो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल ज्यादातर ईस्ट में होता है। जब आप कभी आटा गूंथ के रख दो, ठीक है, उसमें थोड़ी सी जो है दही मिला दो, तो लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस होते हैं और साथ में कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से डो जिसको आप बोलते हैं बन जाता है, भटूरा अच्छा फूलता है। वो कॉन्सेप्ट सब एथेनॉल के बेसिस पे, क्योंकि जब आप हाई टेम्परेचर पे एथेनॉल को रखेंगे मेल्ट होगा, ये इवोपरेट होगा, इवोपरेट होगा तो क्या बनेगा, आपका भटूरा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यही कहानी होती कि फर्मेंटेशन जो जब आप किसी, अगर आपको भटूरा बनाना हो तो आप क्या करिए, आटे को गूंथ के थोड़ी देर रख दीजिए मैदे को, उसमें क्या हो जाएंगे फर्मेंटेशन, क्या आ जाएगा एल्कोहल, और एल्कोहल की वजह से धीरे से जैसे भटूरा बनेगा एकदम अच्छे से फूलेगा, लेकिन अगर आप तुरंत बनाएंगे तो थोड़ा सा फर्मेंटेशन नहीं हुआ रहता, तो ये चीज चलती है। तो एल्कोहल फर्मेंटेशन में हुआ क्या, वही 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है वो 2 मोल ऑफ पायरुवेट बना रहा है, 2 ATP और 2 NADH बना रहा है। अब इस केस में 2 मोल ऑफ पायरुवेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड में, इसमें एक इंटरमीडिएट आता था, जबकि इन द केस ऑफ लैक्टिक एसिड कोई इंटरमीडिएट नहीं है, सीधे जो है जो NADH है वही उस NADH को इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले पायरुवेट जो है उसमें से 2 कार्बन निकलते हैं। 2 कार्बन निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं और एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, एंड 1 कार्बन निकलेगा, है ना, 2 कार्बन का मतलब अलग अलग स्टेप में, क्योंकि 2 मोल है तो 2 मोल ऑफ द CO2 निकल रहा है, 2 मोल तो 2 मोल एक एक बार में 1-1 कार्बन निकलेगा, तो उसके लिए जो है ये प्रोसेस हो, और इसके बाद जो है एसिटाल्डिहाइड बनता है 2 मोल, और ये एसिटाल्डिहाइड फिर एसिटाल्डिहाइड इस NADH से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये जो कीटोन ग्रुप होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस होकर किसमें हो जाएगा, एल्कोहल में, तो ये एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल या एथेनॉल बना लेता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एथेनॉल फर्मेंटेशन, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एथेनॉल फर्मेंटेशन की ये कहानी है। 2 एंजाइम्स यहाँ पे चाहिए, एक जो है पायरुवेट, पायरुवेट में एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जो कि एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, फिर चाहिए एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो क्या बनाएगा, एथेनॉल। यही 2 स्टेप में पाथवे हो रहा था, लेकिन लैक्टिक एसिड में ऐसा नहीं था, इसमें पायरुवेट जो है वो NADH से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ले रहा था और एक एंजाइम था लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और सीधे जो है वो एल लैक्टेट बना दे रहा था। इट इज अ वेरी 1 स्टेप प्रोसेस इन द लैक्टेट फर्मेंटेशन। जबकि एथेनॉल फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ एथेनॉल फर्मेंटेशन पायरुवेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, रीजन बीइंग दैट यहाँ पे CO2 रिमूव हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन, एंड डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए डी कार्बोक्सिलेज, जिस सबस्ट्रेट से कर रहा है वो है पायरुवेट, एंड दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज नोन एज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पायरुवेट से डी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर दिया, एंड देन एसिटाल्डिहाइड जो बना उसमें अब डीहाइड्रोजनेज का काम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, नॉट कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करना, तो डीहाइड्रोजनेज रिड्यूस करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, डोनर के तौर पे वही NADH है जो कि पायरुवेट के सिंथेसिस के दौरान बना था, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा जिससे ये रिड्यूस होकर किसमें हो जाएगा, एथेनॉल में, और ये हो जाता है एथेनॉल। दिस इज द फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलिए या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलिए, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन का पार्ट है। क्लियर है जनाब यहां तक? यस सर, यस सर। तो 2 फेट यहाँ पे क्लियर है। अब तीसरा फेट कौन सा है? सिट्रिक एसिड। कौन सा फेट है? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो है बाकी के कुछ और फेट को यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस दोस फेट। तो मैंने पायरुवेट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेटेशन, ये आपको समझा दिया। अब यहीं पे एक फेट को मैं और मेंशन कर देता हूं।
थोड़ा सा अगर आपने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का कभी नाम सुना है, सुना है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म? ये भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है भाई। ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ द बेसिक तौर पे ग्लूकोज का एक पॉलीसेक्राइड है जो एनिमल में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन और बनना और ब्रेकडाउन होना ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड है। अब मुझे बताइए कि ग्लूकोज का पहला स्टेप, जब ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप था वो था हेक्सोकाइनेज का, और हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज से क्या बनता था? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट या फर्स्ट इंटरमीडिएट जिसको हम बोल सकते हैं, पहले इरिवर्सिबल स्टेप के बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता था, यस और नो? और यही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अब दो जगह पे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वाला जो स्टेप है वो कमिटेड नहीं है, क्योंकि इसके और भी फेट है। पहला फेट कि या तो ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो? फ्रक्टोज 6 में, और वो कन्वर्ट हो फ्रक्टोज 1-6 में, तो वो कमिटेड हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस के लिए। ग्लाइकोलिसिस से जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से पाइरुवेट बन रहा था 2 मोल, और अगर पाइरुवेट से वापस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बन जाए तो यही है ग्लूकोनियोजेनेसिस। पाइरुवेट से या तो अमीनोसिड बने, जैसे कि आपने VILA अमीनोसिड्स को सुना था, पाइरुवेट से या तो लैक्टेट बने बाय द लैक्टेट एसिड फर्मेंटेशन या एनरोबिक कंडीशंस में, ठीक है, या तो पाइरुवेट से यहाँ पे एथेनॉल बने एनरोबिक कंडीशंस में, या तो पाइरुविक एसिड से क्या बने? एसिटाइल को ए, और ये होगा एरोबिक कंडीशन में। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी लेटर ऑन, लेकिन सबसे पहले पाइरुवेट के आगे जाने से पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के और फेट तो देख लीजिए। ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ लिया, ये दोनों फेट पढ़ लिए। नाउ मूविंग अहेड, दैट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कैन अंडरगो फॉर द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और इट कैन अंडरगो फॉर द ग्लाइकोजन ब्रेक, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अगर इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस, या ग्लाइकोजन टूट के जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना ले तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस हो गया। और अगर टूटना हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस टूटना, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसको पढ़ते हैं, फिर हम HMP या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में चर्चा करेंगे। ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना भाई? नहीं सर। सिस्टम हैंग तो नहीं हो रहा? नहीं सर। ठीक है। अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई, आप लोगों ने देखी एनिमल? जी सर। जितनों ने नहीं देखी अपना पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है? हाँ, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट टाइप की मूवी, बट ठीक है, आजकल का कल्चर इतना अच्छा जा रहा है कि ये कुछ कह नहीं सकते, और अपब्रिंगिंग भी वैसे ही हो गई बढ़िया। और मेरा मतलब मेरे दोस्त लोग मुझे घसीट के लेके गए थे, और मेरा जो है 3 घंटा उन्होंने ऐसा बर्बाद किया ना, और पहली बार जिंदगी में मैं वैसे तो थिएटर में मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ मूवी देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कौन ही बर्बाद करे ऐसी चीज़ों पे, बट क्योंकि उस 200-300-400 या 1000 जो भी टिकट हो उसमें मेरा जो है 3 महीने का नेट का रिचार्ज हो जाएगा, कौन एक मूवी बर्बाद करके आए। दूसरा कि जो है इतना सर दर्द मेरा हुआ पहली बार, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मतलब अगर जिसको थोड़ा सा लॉजिकल या थोड़ी जो अच्छी मूवी पसंद है उनको पसंद नहीं आएगी, बाकी जो एंटरटेनिंग मूवी पसंद करते हैं, मार धाड़ या जो फालतू की चीजें पसंद करते हैं, उनके लिए अच्छी लगेगी। बट ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है, याद रहे कि हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छी लग रही हो, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक्टिंग के लिए देख सकते हैं, और मैं ये सब बातें प्रमोशन के तौर पे बोल नहीं रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, पर बस ब्रेक के तौर पे थोड़ी देर के लिए बोल दे रहा हूँ कि अगर लोड लग रहा हो तो आप थोड़ी सी मूवी के नाम पे आपका आंखें खुल जाती कि अरे हाँ यार अब तो बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी वो तो इंटरेस्टिंग लग नहीं रही होगी। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग फिर से बनाते हैं, मूविंग जो है टूवर्ड्स द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जो बात है सो बात करें। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो सुगर न्यूक्लियोटाइड्स का जो है यूज किया जाता है ग्लूकोज को चार्ज करने के लिए। सो याद रखिए लीवर इज द वन ऑफ कह सकते हैं कि सोर्स या ऑर्गन है जहां पे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है होता है।
And in the liver, glycogen synthesis involves the series of conversion from the glucose to glucose 6 phosphate and then UDP glucose se wo fir finally glycogen mein chalta hai. Yaad rahe ki glucose is not the activated molecule. Isko activate karne ke liye jo chahiye wo hai UDP glucose. And this is very important. Aapko jo glycogen metabolism mein jo glucose involved hote hain wo normal glucose nahi hai. वो यूडीपी ग्लूकोज के साथ एक्टिवेटेड होते हैं और तभी जाके वो ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करते हैं. अब व्हाट इज यूडीपी ग्लूकोज? यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूडीपी ग्लूकोज हियर. दिस इज योर ग्लूकोज. ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन. इसमें जो फर्स्ट कार्बन है, अगर आप इस ग्लूकोज को देखिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि OH का पोजीशन आप कहां शो कर रहे हैं? नीचे की तरफ. नीचे. तो दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज. दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज के इस O से क्या जुड़ा है? फॉस्फेट. और ये फॉस्फेट ऑफ व्हाट? ये यूरिडीन फॉस्फेट है. यूरिडीन, ये सुगर, और ये है आपके फॉस्फेट. तो यूडीपी है, यूएमपी नहीं है. याद रहे यूडीपी यानी ये अल्फा फॉस्फेट और ये बीटा फॉस्फेट. और बीटा फॉस्फेट जो है अटैच्ड है फर्स्ट प्राइम ऑफ द OH के साथ. तो अगर मैं फर्स्ट प्राइम ऑफ OH कंसीडर करूं यहां पे, तो उसके साथ जुड़ा होता है बीटा फॉस्फेट ऑफ यूडीपी. तो ये एक सुगर न्यूक्लियोटाइड है. क्या बोलते हैं इसको? सुगर न्यूक्लियोटाइड, यूडीपी ग्लूकोज. एंड नाउ दिस ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड. तो ग्लूकोज अभी एक्टिवेटेड है नहीं था, ग्लूकोज को एक्टिवेटेड किया जा रहा था. और एक्टिवेटेड किया गया है बेसिक तौर पर विद द हेल्प ऑफ दिस सुगर न्यूक्लियोटाइड, या सुगर और न्यूक्लियोटाइड के मिक्सर को बनाकर. अब यूडीपी को जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक ग्लूकोज बाकी आगे ग्लाइकोजन बनाएगा नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एडिंग द यूरिडीन या यूरिडीन डाई फॉस्फेट, यूडीपी, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड. ठीक. अब आगे बढ़े तो बेसिक जो ग्लाइकोजन का ओवरव्यू होता है कुछ ऐसा, समझिए जरा सर. तो इन दिस केस वन बेसिक एंजाइम अगर समझे तो यह है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां से आता है? ग्लूकोज से आता है. तो जरा ध्यान दीजिए. तो सबसे पहले यह होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में विद द एंजाइम म्यूटेजेस. जैसे फॉस्फेट का जब भी पोजीशन चेंज करना होता है तो जो एंजाइम चाहिए होता है वो है म्यूटेज. म्यूटेज ने 6 जगह से उठाकर उसको ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट को रख दिया. अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है उसको जोड़ा जाता है यूडीपी के साथ, क्योंकि पहले फॉस्फेट को ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो आप देख रहे हैं तो उसको आप यूडीपी के साथ मेंशन किए. तो यूडीपी यहाँ पे देखेंगे तो यूडीपी के फॉर्म में, और यूडीपी से जो है डायरेक्ट पीपीआई यहाँ पे निकल रहा है, और ये पीपीआई जो है वो पायरोफॉस्फेट है, यानी बीटा और गामा रिलीज हो जा रहा है. तो ये जो फॉस्फेट मैंने शो किया वो एक्चुअली में बीटा फॉस्फेट नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है. दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. यानी अगर मैं मेंशन करूं तो ये फॉस्फेट जो है वो सुगर का फॉस्फेट है, और ये वाला फॉस्फेट जो है वो आपके न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है. तो दिस शुड बी क्लियर. ये थोड़ा सा मैंने अभी इनकरेक्ट बता दिया था, इसको करेक्ट करिए कि ये फॉस्फेट ग्लूकोज के पहला फॉस्फेट ग्लूकोज वाला है, और ये वाला फॉस्फेट जो है मोनोफॉस्फेट इसका. लेकिन आप यूडीपी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों फॉस्फेट एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो आप इसको यूडीपी ग्लूकोज बोलते हैं. लेकिन यूडीपी के तौर पर एड नहीं हो रहा. यहाँ देखिए तो यूडीपी में से पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ, एड यूएमपी होता है, लेकिन एक फॉस्फेट ऑलरेडी वहां पे होता है, लेकिन इसी वजह से दो फॉस्फेट हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज अ यूडीपी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट. अब यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज जो है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस. यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज इनएक्टिव फॉर्म, इज इन इनएक्टिव फॉर्म. अब इसको एक्टिवेट कर दिया आपने यूडीपी के साथ जोड़ के, और जैसे एक्टिवेट हुआ ग्लाइकोजन सिंथेस कहेगा बल्ले बल्ले, और इस एक्टिवेटेड ग्लूकोज को लेके ग्लाइकोजन सिंथेसाइज कर देगा. तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे हुई? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हुई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. पहले कन्वर्जन हुआ विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज. दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड विद द बाइंडिंग विद यूएमपी, और कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज में.
ये यूडीपी ग्लूकोज एक्टिवेटेड फॉर्म है और इसी यूडीपी ग्लूकोज को यूज करता है आपके ग्लाइकोजन सिंथेस एज वेल एज सम ऑफ द ब्रांचिंग एंजाइम एंड बना देते हैं ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन सिंथेस होता है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो करता है अल्फा 1,4 लिंकेज का और ब्रांचिंग एंजाइम जो फॉर्मेशन करता है वो अल्फा 1,6 का करता है। इसी वजह से जो है आपके ग्लाइकोजन में जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आप देखते हैं तो ब्रांचिंग एंजाइम एमाइलोपेक्टिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो ग्लाइकोजन सिंथेस है वो लीनियर पॉलीमर एमाइलोजेस के लिए। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। है ना sir. तो ये दोनों लिंकेज ग्लाइकोजन में होते हैं अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 तो ग्लाइकोजन बन गया। इसी को क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन का एनाबोलिज्म सिंथेसिस। तो ये आपका ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगा। नाउ मूविंग अहेड अगर मैं ग्लाइकोजन को तोड़ू तो ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए सबसे पहले डी ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए जिससे लीनियर पॉलीमर हो यानी दे आर गोइंग टू ब्रेक द अल्फा 1,6 लिंकेज। तो इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने की वजह से फिर वो लीनियर कंडीशन जो है डेवलप होगा। अब लीनियर कंडीशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। यहाँ दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्लाइकोजन सिंथेज, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है और जिसका प्रिकर्सर यूडीपी ग्लूकोज है और यूडीपी ग्लूकोज किससे बना है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से। और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट किससे बना है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से। तो ग्लूकोज 6 से ये प्रोसेस ऐसे चलता है। अब वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में लाया जाता है और वो लाने के लिए जो एंजाइम है वो है फॉस्फोराइलेज। द एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोराइलेज। दोनों डिफरेंस पता हो कि फॉस्फोराइलेज का काम क्या है, सिंथेज का काम क्या है? सिंथेज का काम है यूडीपी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने का और फॉस्फोराइलेज का काम है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनाने का। अब एक ग्लूकोज 1-फॉस्फेट म्यूटेज की मदद से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। दिस इज द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन और कैटाबोलिज्म। समझ में आई दोनों बात? ग्लाइकोजन का जो है सिंथेसिस कैसे हो रहा है और ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? सिंथेसिस कुछ इस मैनर में हो रहा है और ब्रेकडाउन कुछ इस मैनर में हो रहा है। सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो दो एंजाइम है इंपॉर्टेंट। एक तो ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। क्यों? ये यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज क्या करेगा? जी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को एक्टिवेट कर रहा है, यूडीपी ग्लूकोज बना रहा है और ग्लाइकोजन सिंथेज जो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि सिंथेसिस कर रहा है। और इसके बाद जो डिग्रेडेशन ब्रेकडाउन या कैटाबोलिज्म के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो है फॉस्फोराइलेज। याद रखिए ये पूरी साइकिल जिस कह सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए घूम रही है वो है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। 6-फॉस्फेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता ग्लाइकोजन के सिंथेसिस या ब्रेकडाउन में। 6-फॉस्फेट पहले किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में और इसी पे ब्रेकडाउन होगा और इसी से सिंथेसिस होगी। बोलो समझ में आ गए या कोई डाउट है? आगे एनी डाउट? एंजाइम याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रहेगा? ठीक है बता दो फिर। ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए मैंने 2-3 एंजाइम्स को मेंशन किया था। कौन सा कौन कौन से एंजाइम्स है ग्लाइकोजन जेनेसिस के लिए? पहला यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज लेकिन उससे पहले भी एक एंजाइम था वो था म्यूटेज, याद आ रहा? जो क्या करेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। और वो यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेजेस जो होंगे वो कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें? यूडीपी ग्लूकोज में। और यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए फिर? ग्लाइकोजन सिंथेज। और वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन बनाएगा। और ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज आप शो करते हैं, कभी इंसुलिन हार्मोन की सिग्नलिंग पढ़ा होगा तो वो जिस पे इंपैक्ट करता है वो इसी पे तो करता है, याद आ रहा है कुछ? इंसुलिन हार्मोन, ग्लाइकोजन सिंथेस, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। चलो अगर ग्लाइकोजिनोलिसिस करना हो तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है किसमें? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। तोड़ेगा कौन? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। यस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। एंजाइम याद हो गए? आपने देखो कितना चीजें पढ़ ली, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वाली कहानी पढ़ी, उससे ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया आपने, ग्लाइकोसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ ली, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेलिसिस पढ़ लिया,
अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट, वो है पीपीपी, दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, दैट इज ऑल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। पढ़ा जाए? यस सर। गुड, क्या बात है, समझ में आ रहा है कि सब हवा लग रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट को ही बोला जाता है फॉस्फो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज, ये पेटोज लिखा हुआ है, पेंटोज होना चाहिए। पेटोज से यार मेरे को पेटीज का याद आ गया, बहुत दिन हो गए खाए हुए। पेटीज जानते हो कि नहीं? बहुत पहले मिलता था, अभी मिलता होगा अभी भी मिलता है। चलो यार किसी दिन बैठ के खाते हैं, अब याद आ जाती है ऐसी पुरानी चीजें, नॉस्टैल्जिक फील किया जाए। ठीक है, तो मैं जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की बात करूं, तो पांच कार्बन का इसलिए आप इसको पेंटोज बोल रहे हो, इसीलिए ट्रिपल पी पाथवे भी बोला जाता है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे को ही आप इसको बोलते हैं एचएमपी, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। इसी को बोला जाता है वारबर्ग डिकिन्स पाथवे, दो साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसी को डब्ल्यूडीपी भी बोला जाता है, वारबर्ग डिकिन्स पाथवे। इसको बोला जाता है फॉस्फोग्लूकोनेट शंट, यानी इट इज पीजीएसबीएल। ये सभी नाम किसके हैं? एचएमपी के। इतने लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन है बहुत छोटी सी चीज। कहां परफॉर्म होगा? साइटोसोल में। इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है वो होता है G6PD, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। अगर थोड़ा सा याद करिए तो ग्लूकोज का नाम सुना था आपने, ग्लूकोज से क्या बनता था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम यहां काम करता था? हेक्सो काइनेज। और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो तो यहां पे काम करता था ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, है ना? यस सर। ठीक, यस सर। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अगर मैं यहां पे आइसोमेरेज से कर दूं तो ये हो जाता था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। जो एंजाइम चाहिए था वो था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये किस पाथवे में जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। अरे यही था ना भाई, अगर मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को म्यूटेज के साथ रख दो तो ये बना देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये देखो कमिटेड स्टेप्स जैसे है, पीएफके कमिटेड स्टेप फॉर ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके बाद म्यूटेज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्या बन जाता है? यूडीपी ग्लूकोज। और जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, इसका मतलब ये किधर की तरफ जाएगा? ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए। अब तीसरा, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आपने भी दे दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेजेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेजेस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉस्फोग्लूकोनेट में। ये जो आप फॉस्फोग्लूकोनेट देख रहे हैं, इसमें कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? फॉस्फोग्लूकोनेट, ग्लूकोनेट। और ये फॉस्फोग्लूकोनेट कहां लेके जाएगा उसे? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये समझ में आ गई बात? यस सर। बहुत आसान है फिर तब तो। अगर मेजर फंक्शन और माइनर फंक्शन की बात की जाए तो हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे क्यों परफॉर्म होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज एचएमपीज और पीपी या वारबर्ग डिकिन्स पाथवे? तो द मेजर फंक्शन इज जनरेशन ऑफ एनएडीपीएच फॉर द रिडक्टिव सिंथेसिस। जो आप फैटी एसिड की सिंथेसिस जानते हैं, उसमें एनएडीपीएच का इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे थे दो स्टेप्स पे, यस और नो? तो वो एनएडीपीएच बनाता है कौन? यही बनाता है कौन? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। फैटी एसिड की सिंथेसिस में, एस्टेरॉयड के सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में, न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में, ग्लूटाथायोन के सिंथेसिस में, इन सभी की सिंथेसिस में जो प्रिकर्सर की जरूरत होती है एनएडीपीएच, उसको बनाने का काम करता है आपका दैट एचएमपी पाथवे। नेक्स्ट, साथ में एनएडीपीएच जनरेट करने के अलावा ये आपको पेंटोज बना के देते हैं।
और पेंटोज कहां पे चाहिए होता है? न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में, और न्यूक्लियोटाइड में डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडी, एफएडी, ये सब जो देखते हैं वो कौन बनाता है? यही आपका बनाता है एचएमपी। तो एचएमपी दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पहला तो एनएडीपीएच का फॉर्मेशन और उसके बाद दूसरा राइबोजेस या पेंटोजेस का फॉर्मेशन। ये इसका जो है मेजर फंक्शन है दो, और माइनर फंक्शन के तौर पे बोला जाता है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द सुगर्स। सुगर्स में C4 और C7 का जो है ये क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है। मतलब आपको चार कार्बन के सुगर्स से लेके 7 कार्बन के सुगर्स का मिलना आपको यहाँ पे हो जाता है, और जो है C4 से C7 मिल जाएंगे, मतलब एरिथ्रोज से लेके जो है हेप्टोजेस तक का केस यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखेंगे कैसे। तो ये है NADH और NADPH के बीच का डिफरेंस। अगर आप NADH की बात करते हैं तो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइहाइड्रो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यही होता है आपका फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइहाइड्रो न्यूक्लियोटाइड। अब उसमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ दीजिए तो वही हो जाता है NADPH। ट्राई टू सी, ये अगर आप देखते हैं तो ये जो बेस आप शो करते हैं ये बेस है एडिनिन, इस एडिनिन के साथ ये सुगर है राइबोस, पेंटोज है राइबोस है, क्योंकि 2' पे भी OH है, 3' पे भी OH। अब इसके बाद इसी के 5' से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, और इस फॉस्फेट से फिर अगेन एक सुगर जुड़ा हुआ है। अब एक्चुअली में आप देखें तो निकोटिनामाइड यहाँ पे जो बेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो कह सकते हैं बेस जैसा है वो है एक निकोटिनामाइड, ठीक। दूसरा है एडिनिन, यानी दो बेसिस की बात की जा रही है, एक एडिनिन और एक निकोटिनामाइड। तो निकोटिनामाइड है, या आप अगर थोड़ा सा और पढ़े तो यह है निकोटीन, और निकोटीन में ये देखिए CONH2 है, तो ये होता है अमाइड, जिसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड, और इसमें इस पोजीशन पे दो हाइड्रो है, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रो। तो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइहाइड्रो न्यूक्लियोटाइड, तो ये डाइहाइड्रो इस पोजीशन के लिए होता है, निकोटिनामाइड डाइहाइड्रो न्यूक्लियोटाइड, ठीक, निकोटीन अमाइड एंड डाइहाइड्रो, ये यहां पे है, और ये आपका सुगर फॉस्फेट की कहानी चल रही है। सो एक बेस जो है वो आपका क्या है, एडिनिन, और दूसरा निकोटिनामाइड। तो यहां पे निकोटिनामाइड एडिनिन डाइहाइड्रो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें जो है ये न्यूक्लियोटाइड आपको अपीयर हो रहा है। अब इसी न्यूक्लियोटाइड में अगर दूसरे पोजीशन पे, एट द सेकेंड पोजीशन, इफ यू सी देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप, अगर वहां से जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो यू कैन से इट इज NADPH, तो NAD से NADPH हो जाएगा, क्योंकि इसमें P का मतलब है एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ जाता है जो कि प्रेजेंट होता है सेकेंड प्राइम OH पे ऑफ एडिनिन बेस सुगर, जो एडिनिन का बेस है उसी के पास जो राइबोज है उसके पास जो जुड़ा होगा, ना कि निकोटिनामाइड वाले के पास। समझ में आ गया ये NAD और NADH, NADPH का स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, ठीक है। NADPH की सिंथेसिस भी करता है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और साथ में NADH की सिंथेसिस भी करता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ये कहानी जो है वो आपको देखने को मिलती है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सन। तो जरा सा देख लेते हैं कि ये दो स्टेप्स में ऑपरेट होता है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट नॉन ऑक्सीडेटिव भी होता है और ऑक्सीडेटिव भी होता है। अब इसमें दो फेजेस होते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेजेस एंड ऑक्सीडेटिव फेजेस, क्या है बात करेंगे। तो ऑक्सीडेटिव फेजेस में क्या होता है कि आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को देखा था, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो यहाँ पे काम करेंगे। एंड देन 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है रिबोलोज 5 फॉस्फेट में, और वो कन्वर्ट होता है राइबोज 5 फॉस्फेट में, और जिसका यूज आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एंड ऑल में देखते हैं। एंड ये रिबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ट्रांस केटोलेजेस और ट्रांस एल्डोलेजेस की मदद से। तो जो कन्वर्जन होता है, आपने दो मेजर एक मेजर फंक्शन और एक माइनर फंक्शन पढ़ा था, तो जो माइनर फंक्शन आप पढ़े थे वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेजेस में होंगे, और जो मेजर फंक्शन जैसे NADPH का प्रोडक्शन या जैसे आप जो है NADPH के सिंथेसिस की बात करते हैं वो होता है कहां पे, इन द ऑक्सीडेटिव फेज।
तो ये केस जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो हियर एनएडीपीएच जो फर्दर फैटी एसिड से लेके ग्लूटाथायोन इन सब के जो सिंथेसिस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूटाथायोन का जो रिडक्टेज होता है रिड्यूस होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन देता है एनएडीपीएच। फैटी एसिड के जो प्रिकर्सर्स होते हैं जैसे एसिटाइल कोए हो गए, तो एसिटाइल कोए से जो है फैटी एसिड एस्ट्रॉल बनाने के लिए एनएडीपीएच एज अ प्रिकर्सर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। तो ऑक्सीडेटिव फेज में ये प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रिबुलोज 5 फॉस्फेट बन रहा है या राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा है। और नॉन ऑक्सीडेटिव में जो कन्वर्जन ऑफ C4 टू C7 आप देखते हैं वो प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इफ यू कैन सी साइटोसोल में आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज के बाद ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंटरमीडिएट्स है और वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पाइरुवेट में। तो ये कुछ आपका स्टेप देखने को मिलता है, ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप्स है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एंजाइम था वो था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज यानी GPD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में, ये कन्वर्ट करेगा इसको 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में। अब ये 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो है ये कन्वर्ट होता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट में। रिबुलोज जो है वो 5 कार्बन का ही होगा लेकिन कीटोन ग्रुप होगा। रिबुलोज और राइबोज से अवेयर है कि नहीं है? Yes, sir. रिबुलोज Yes, भी 5 कार्बन का शुगर है और राइबोज भी 5 कार्बन का शुगर है, लेकिन रिबुलोज जो है वो एक कीटोज शुगर है और राइबोज जो होगा वो एक एल्डोज शुगर है, और ये मैं पहले बता चुका हूं। तो अब यहाँ पे 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो बना इससे यहाँ पे CO2 भी निकला एक और साथ में NADPH की सिंथेसिस हुई एंड रिबुलोज 5 फॉस्फेट राइबोज में आ जाता है। अब ये जो राइबोजेस होते हैं ये 4 कार्बन एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जाइलोनोजेस सीलो हेप्टोलोजेस इसमें कन्वर्ट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द ट्रांस किटोलेजेस या सम ऑफ द ट्रांस एल्डोलेजेस। तो ये चीज होती है। अब इन एंजाइम्स के लिए थियामीन पैरोफॉस्फेट जो कि एक विटामिन होता है थियामीन पैरोफॉस्फेट, और ये थियामीन पैरोफॉस्फेट जो है 1 कार्बन ट्रांसफर के लिए जाना जाता है, तो वो यहाँ पे यूज हो ठीक है। और उसमें ग्लिसरेल्डिहाइड का भी इन्वॉल्वमेंट आप शो करेंगे, देखेंगे कि कैसे जो है ये चीजें चल रही है। तो एक बार फिर देखिए ये जो प्रोसेस हो रहा है यहां से लेके यहां तक का दिस इज ऑक्सीडेटिव, और ये जो प्रोसेस होगा ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि NADPH का सिंथेसिस हो रहा है, और क्यों? क्योंकि फॉस्फोग्लूकोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तभी तो NADPH बन रहा है, और उसका एक्सेप्टर कौन है? NADP+, और दैट मींस वी कैन से दैट कि यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इससे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है आपका कौन? NAD+। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सबस्ट्रेट तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी रिबुलोज जो है एक तरीके का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन के साथ साथ CO2 का जो है रिमूवल भी हो रहा है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, तो आप इसको जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और पहला स्टेप में जहां पे ये काम कर रहा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के ऊपर जब हम यहां बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेसिस जो यहां पे ऑपरेट हो रहा है, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो ये जो है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संड में हमने देखा कि कैसे जो है ये प्रोसेस हो रहा था। तो पहला जो स्टेप था वो NAD से कन्वर्ट हो रहा था NADPH में, और दूसरे स्टेप में भी NADPH बन रहा है। पहले स्टेप में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे स्टेप में जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, और इनका जो इंटर कन्वर्जन होता है वो होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। समझ में आ गया ये?